चलो 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 चलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग लाइव आ जाएंगे और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है। यस 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 यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो अमेजिंग से सेशन के, चलिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, सर हमारा कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हो चुका है। कम्युनिकेशन वाली चीज़ें आज अपने अपन ने सुबह ही देख लिए थे। मैं अगर अभी तक क्या क्या हो चुका है ज़रा एक बार देख ले क्या थोड़ा सा? हाँ सर, देख लेते। देखो अपना क्या क्या हो चुका है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट वन हो चुका है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट टू और पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें अपना फिनिश है। सर बीसीआर के रिविजन अभी हम लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, बीसीआर के रिविजन अभी हम लोग करेंगे। शाम में 5 बजे हमारा सेशन रहने वाला है टिप्स ऑफ लॉ एंड टिप्स टू अटेंड लॉ एंड बीसीआर पेपर से रिगार्डिंग। फिर 8 बजे सेशन ये वाला है, ये वाला सेशन लास्ट मिनट वोकैबुलरी से रिलेटेड है, जो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही इसको पोस्ट कर देता हूँ। मेरा क्या कहना है, मैं क्या लगता है आपको, आज ही मैं इसको रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूँ क्या? 15 से 20 मिनट का ये सेशन रहने वाला है, कल पे जाने से अच्छा है आज ही इसको अगर रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट कर दूँ तो मज़ा आ जाए आप लोगों को, या कल इसको सुबह मैं जल्दी से पोस्ट कर दूँ तो भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, चलिए। और अगर मैं बात करूँ आपके साथ सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कल 7 बजे का रहने वाला है। चलिए आइए अब हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ पे फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग आ जाएंगे। सबसे पहली चीज कौन सी हो चुकी है? अपना कम्युनिकेशन का चैप्टर अपना हो चुका है। कम्युनिकेशन का चैप्टर यहाँ पे 8 मार्क के लिए आता है। सेकंड वाली चीज अगर मैं बात करूँ आपके साथ, चलिए सेकंड वाली चीज के ऊपर चलेंगे और ये देखने वाले 5 मार्क के लिए, जो कौन सा है दोस्तों बताइए मुझे जल्दी से। आज हम लोग अगर बात करें ना तो सर यहाँ पे आप लोगों के साथ अगर हम लोग करें तो 5 मार्क के लिए यहाँ पे कौन सा आता है? आपको प्रेसे से रिगार्डिंग यहाँ पे बात होने वाली है। ठीक है, प्रेसे से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो प्रेसे से रिगार्डिंग चीज है ना, तो प्रेसे के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले देखिए प्रेसे आपको करना कैसे है। तो प्रेसे के अंदर सबसे पहले 2 बार आपको कम से कम पैसेज को रीड करना है। सुन लो बात को अच्छे से, ध्यान दे दो। प्रेसे को कम से कम 2 बार पैसेज को रीड करेंगे। फर्स्ट टाइम जब भी आप रीड करेंगे तो पैसेज के बारे में आइडिया ले लेना कि पैसेज के टॉपिक का नाम क्या हो सकता है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या हो सकता है और असाइन टॉपिक नेम। सेकेंड टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको मार्क करते हुए चलना है। क्या करना है बोलो? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको मार्क करते हुए चलना है। इसके बाद बेटा पूरे पैराग्राफ का 33.3% मतलब 1/3 ऑफ पैरा, क्या कहा मैंने? 1/3 ऑफ पैरा आपका प्रेसे बनने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाना है क्या? नहीं सर, आपको कोई भी न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस यहां पे नहीं करवाना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, देख लो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना, सुनो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं फिर से, 2 बार पैसेज को रीड करना है सर। सबसे पहले इसमें अपने को क्या करना है, पैसेज का आइडिया लीजिए और असाइन कर दीजिए टॉपिक नेम को। सेकंड, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद सिंगल पैराग्राफ 33% ऑफ कंटेंट को आपको कवर करेंगे। अपने आइडियाज़ को सर इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाना है क्या? नहीं सर, नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, जो आपके पास चीज़ें केवल और केवल उसी को लेके यहाँ पे आप फाइनलाइज करेंगे, बस इतना मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। क्या आप बात को समझ रहे हैं? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप बात को समझ रहे हैं? यस सर। चलिए देखो, अब पैराग्राफ 1 मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। नीचे का सोल्यूशन मत पढ़िएगा बेटा, केवल और केवल पैराग्राफ पढ़ेंगे और अपन अपना आंसर बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे, और हर बार जरूरी नहीं है कि एक पैराग्राफ है और उसका एक ही मॉडल आंसर निकल सकता है, अलग अलग उसके मॉडल आंसर्स निकल सकते हैं और उसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपका हर बार आंसर अलग आता है तो बीसीआर के अंदर वैसे ही, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो बात को, बीसीआर के अंदर वैसी ही चीज़ें यहाँ पे क्या जाती है, वैसी चीजें यहां पे जो होती है ना बीसीआर के अंदर आंसर अलग अलग निकलते हैं, कोई भी ये चीजें नहीं होने वाली है ना। चलिए, मिताली कह रही है सर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब कराओगे? बेटा पढ़ लिए ना उसको, अभी तक 12वीं तक वही तो पढ़ते आए, वो एग्जाम के पहले दिन नहीं कराया जा सकता है, लास्ट मिनट वाली वो चीज नहीं है, वो डिटेल वाली चीज है जो मैं 16 घंटे के अंदर कंप्लीट कराया हूं रेगुलर क्लासेस में, तो वो पॉसिबल नहीं होता है उसको मैं रिवाइज करवाने के लिए। हां, उसको छोड़ के बाकी पूरा बीसीआर यहां पे रिवाइज जरूर किया जा सकता है ना, तो ऐसा हर चीज पॉसिबल एग्जाम के पहले दिन कैसे हो सकता है? अगर हर चीज बेटा यहाँ पे पहले हो गई एग्जाम के पहले, तो फिर तो बात ही क्या रह जाएंगी, मतलब हम तो रेगुलर लेक्चर देखने वाले तो बेवकूफ हो गए फिर तो, है ना, जो रेगुलर लेक्चर देख रहे थे। आओ
देखिए, द ट्री इज वर्शिप्ड, क्या बोला है यहाँ पे, द ट्री इज वर्शिप्ड एज अ अर्थ मदर इन इंडिया, है ना। उसके बाद इट गिव्स अस फूड, एयर एंड वर्क एंड ऑल्सो हाउसिंग मटेरियल, मोर ओवर ट्रीज आर समटाइम्स गिव फॉर्डर टू द एनिमल्स एंड फुल एनर्जी मेकिंग, विदाउट ट्रीज देर इज नो सॉइल, नथिंग कैन प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे इन द ट्राइबल एरियाज, समझना बात को, इन द ट्राइबल एरियाज यहाँ पे वेयर वी फाइंड द भील संताल्स एंड द नागास एंड द बिश्नोइस, वेयर चाइल्ड इज बॉर्न द ट्री इज प्लांटेड इन हिज और हर नेम। उसके बाद सर यहाँ पे दिस अनेबल्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द ट्री, as child grows tree also grows and starts bearing fruits, it starts its life for a food giver to the tribal community and the tribal becomes the guardian of the tree, this kind of nature shows the true faith in the nature, the tribals worship the nature and make sure no human intervenes, this is a learning lesson for all those who tamper with the nature in the name of urbanization, every entity small or big, plant or animal has a life in it with a due importance, if humans start intervening and disturbing nature the fury is felt in the form of natural calamities like flood, droughts, it is an earnest request. Earnest request का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए मुझे, ये सबसे ज्यादा request है of all mankind. Let's work together and make a world a better place to love and not a bitter place. वाह वाह क्या बात की भाई, समझ आ गया है, तो एकदम बहुत ही ज्यादा लिख दिया इन्होंने, है ना। तो ऐसे केस के अंदर इन लोगों का क्या कहना है सर, इन लोगों का क्या कहना है बता दीजिए मुझे जल्दी से। इन लोगों का यहाँ पे कहना है कि सर आपने इसको प्रेसे में बनाना है। देखो अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा पैसेज है, एग्जाम में तो बहुत बड़ा आता है। क्या होता है बेटा, एग्जाम में ना फॉन्ट ऐसा जाड़ा जाड़ा आता है। अब जब जाड़ा फॉन्ट आता है ना तो आपको ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना भारी करके पैसेज है ना, तो ज़्यादा नहीं होता है, होता इतना ही है, बस उसका फॉन्ट साइज बड़ा होता है इसलिए वो एक डेढ़ पेज के अंदर यहाँ पे आ जाता है। चलिए बताइए मुझे अपन लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, टाइटल क्या देख सकते हैं ये बताइए सबसे पहले, तो क्या टाइटल दिया जा सकता है, क्या टाइटल हम लोगों को देना चाहिए मुझे तो ये बता दो आप पहले। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ ऐसा डाल सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज भी सिर्फ लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज भी डाल सकते हैं, ठीक है चलिए आइए आओ उसके बाद। ठीक है चलो ध्यान दो, आ जाओ लिखो अब यहां पे लिखेंगे ट्राइबल्स वर्शिप, फटाफट लिखो दोस्तों जल्दी जल्दी लिखो, ट्राइबल वर्शिप ट्रीज एज इट गिव्स अस ठीक है। हरीश को लग रहा है लाइव नहीं है, कोई बात नहीं हरीश तुम कमेंट भी मत करो अब, ठीक है तुमको लाइव नहीं लग रहा ना तुम कमेंट भी नहीं करेंगे, चलो हट हाँ चलिए लिखो यहाँ पे। तो क्या लाइव लेने के नाचना पड़ेगा क्या यहाँ पे, बोले लाइव है बताने के लिए नाचना पड़ रहा है करके, है ना बहुत ही जो गए तो चलिए आइए। द ट्राइबल्स गिव्स अस ट्रीज एट इट ट्राइबल्स वर्शिप ट्रीज एज इट गिव्स अस फूड एयर वर्क, लिखो यहाँ पे फूड एयर वर्क एंड हाउसिंग मटेरियल, हाउसिंग मटेरियल चलो आगे बढ़े क्या, हाँ सर ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं सर इसके अंदर, अब देखो भील्स संथाल्स
नागास एंड बिश्नोई, बिश्नोई आर कम्युनिटी, आर कम्युनिटी विच प्लांट्स, विच प्लांट्स ट्रीज व्हेन 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 चाइल्ड इज बॉर्न, व्हेन चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद दोस्तों और क्या लिखेंगे। फिर लिखो इफ वी टैम्पर नेचर, नेचर then fury is felt in form of natural calamities। ठीक है, चलिए आइए, समझ गए क्या, बोलो। बस इतना लिखना है। अब देखो करना क्या है, समझ लो बात को। प्रेसे बहुत सिंपल है, टॉपिक का नाम देने का, एक लाइन का गैप छोड़ने का, वन लाइन का गैप आता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। और उसके बाद एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ों को समझ देना है। सिंगल पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पे प्रेसे को लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंगल पैराग्राफ। सर कितना होना चाहिए ये पूरे पैराग्राफ का, पूरे पैराग्राफ का 33 1/3% यहाँ पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, 33 1/3% यहाँ पे होना चाहिए। समझ गए बात को, बोलो दोस्तों मुझे क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, है ना। चलिए आइए, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग बोले, बोलो फटाफट फटाफट जल्दी से मुझे, है ना। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, प्रेसे से रिलेटेड सर यहाँ पे टॉपिक अपना होता है समाप्त। अब चलेंगे कोई दूसरे चीज को पढ़ेंगे, सर दूसरा चीज कौन सा होने वाला है अपने लिए, सर दूसरे चीज के ऊपर आ जाएंगे, और दूसरा चीज यहाँ पे पैसेज राइटिंग से रिलेटेड रहेगा। मैं पैसेज राइटिंग का सवाल ववाल नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, पैसेज राइटिंग में करना क्या है आपको, यह बचपन से करते हुए आए हो। सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है, कम से कम दो बार ही आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, और एक बार आपने क्वेश्चन को दो बार रीड कर दिया तो उसके बाद आप पैसेज को रीड करके मार्क कीजिएगा अपने आंसर को, और उसको लिख के रख दीजिएगा तुरंत तुरंत, है ना, तुरंत तुरंत। देखो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं, पहले 15 मिनट के अंदर जो रीडिंग टाइम है ना, अगर आप बीसीआर स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे केस के अंदर आपने प्रेसे को पढ़ के रख लेना है, आपने फिर पैसेज को पढ़ के रख लेना है, और आपने यहाँ पे नोट मेकिंग को पढ़ के रख लेना है। ये तीनों टॉपिक्स आपके पहले 15 मिनट में बढ़िया तरीके से रीड होके हो जाने चाहिए, और इसके आंसर भी आपने मार्क करके रखना है, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना, आंसर भी आप यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा। तो ऐसे केस में आपको बहुत ईज होगा, जैसे ही पेपर आए फटाफट फटाफट आंसर लिखे, और चीज़ें यहाँ पे समाप्त हो जाती है अपने लिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको इसी प्रकार से पैसेज राइटिंग को करना होगा, इतना आप ध्यान रखेंगे। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलिए मुझे जल्दी से, क्या बात को समझ रहे क्या। तो पैसेज अपन बचपन से करते हुए आ रहे हैं सर, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, आपको पैसेज दिया होता है, उसके रिलेटेड कोई सवाल होता है, बस वो सवाल को अपने को क्या करना है, सवाल को देखना है और आगे सॉल्व करते हुए चलना है, बाकी और कोई चिंता का विषय इसके अंदर बनता है क्या? नहीं सर, इसके अंदर चिंता का विषय नहीं बनता है, बस यही मैं कहना चाहता हूं, क्या बात को सारे के सारे लोग समझे। यस सर, चलिए आइए उसके बाद मैं बात करूंगा आपके साथ, आर्टिकल से रिलेटेड चर्चा करूंगा। सर आर्टिकल राइटिंग के अंदर क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग के बारे में बात करूंगा। आर्टिकल के अंदर मतलब क्या होता है, नॉन फिक्शनल टेक्स्ट के बारे में लिखते हैं, बताइए दोस्तों किसके बारे में, नॉन फिक्शनल टेक्स्ट के बारे में हम लोग डालते हैं। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये सीनियर से लेकर ऑर्डिनरी, मतलब सीरियस से लेकर ऑर्डिनरी मैटर्स तक बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है। कहाँ पे पब्लिश होते हैं सर आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, जर्नल के अंदर, और इसका वाइड ऑडियंस बेस होता है, क्या होता है बोलो जल्दी से, वाइड ऑडियंस बेस होता है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो सर यहां पे क्या बोला, नॉन फिक्शनल टेक्स्ट के रिगार्डिंग चीजें आती है, और इसके अलावा ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, और इसके पास वाइड ऑडियंस बेस इसका होता है। अब सर फॉर्मेट कैसा होता है आर्टिकल का, तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज सर हेडिंग यहां पे दी जाती है आर्टिकल के अंदर, फिर उसके बाद बायलाइन आती है उसके अंदर, फिर एक लाइन का हम लोग गैप देते हैं, और फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन, और दो तीन पैराग्राफ्स के अंदर आर्टिकल को दिया यहां पे जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को, ओके सर। यहां पे
कितने शब्द जाते हैं यहाँ पे, 300 से लेके 400 शब्दों के बीच में यहाँ पे चीजें होती है, 300 से लेके 400 शब्दों के बीच में यहाँ पे चीजें आ जाती है, उसे क्या बोला जाता है सर, उस चीज को आर्टिकल बोला जाता है। अब कंक्लूजन के और आखिर में आपको कंक्लूजन भी देना होता है क्या? हाँ सर, आखिर में हम लोगों को कंक्लूजन भी यहाँ पे देना होता है क्या? आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलिए मुझे समझ रहे क्या? यस सर। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे, अपन ने आर्टिकल यहाँ पे अपन ने देखा हेडिंग होता है सर, हेडिंग होने के बाद क्या होता है, हेडिंग होने के बाद बायलाइन आती है, बायलाइन के बाद यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर आपको टॉपिक लिखना होता है और आखिरी में आप कंक्लूजन को समाप्त करते हैं। बस इसी चीज को आर्टिकल का नाम यहाँ पे दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है बोलो जल्दी से, आर्टिकल का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या आप बात को समझे? सभी लोग बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप बात को समझ रहे हो क्या? है ना। चलिए, तो आर्टिकल अलग अलग टॉपिक के ऊपर आते हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर आते हैं। कभी कभार देखो आर्टिकल के जो टॉपिक्स होते हैं ये आपसे रिलेटेबल हो सकते हैं। केवल और केवल ये बेवकूफ़ी होंगी ऐसी सोचना कि ICI के मटेरियल से ही आर्टिकल्स के टॉपिक आने चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक रहता है बच्चों का, जो नहीं नहीं हमको तो उसी से चाहिए। और उसी से क्या चाहिए मतलब ये क्या बात होगी, उनकी मनमर्जी है, अगर उनको जिससे पूछना है वो उससे पूछ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे केस के अंदर उन्हें जो चाहिए वो वहाँ से डाल सकते हैं, वो वहाँ से पूछ सकते हैं सवाल अपने से। और अगर अपने को टॉपिक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते बेटा, है ना, ऐसी वाली बात है। तो मेरा वही कहना है आपके साथ कि आपने आर्टिकल को क्या करना है, आपने आर्टिकल को सबसे ज्यादा आखिरी में सॉल्व करना है। मतलब जब अगर आपने BCR को पहले पढ़ना स्टार्ट कर भी दिया ना, कोई टेंशन की बात नहीं, आप पहले BCR बिल्कुल कर सकते हो। जब आप BCR करोगे भी तो मेरा कहना है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग ये दो ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं जिसको आप सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होगा वो चीज। क्योंकि क्या होता है उसके अंदर अगर इजी टॉपिक आया ना तो थोड़ा सा ज्यादा बराबर ना ज्यादा यहाँ पे आशीष कह रहे हैं सर पहले BCK करेंगे तो चलेगा, बिल्कुल करो बेटा BCK, है ना। BCR का क्या तो लेना देना है, अभी पेपर कल आ गया है तो भी इनको समझ नहीं आ रहा है इसे BCR बोला जाता है। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे बताइए आप लोग, है ना। चलो आओ, चलो दोस्तों, अब अगर मैं ठीक है तो हमने क्या देखा सर, मान लीजिए अगर टॉपिक यहाँ पे आ रहा है जैसे इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन यंग जनरेशन, तो आपको ये टॉपिक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आप क्या करोगे इसके नीचे आप लिखोगे बाय मिस्टर ए करके, है ना, ये आपको ऐसा लिखना होता है बाय मिस्टर ए। उसके बाद सर यहाँ पे ना एक लाइन का आपको गैप देना होता है, ठीक है सर, एक लाइन का गैप देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना चालू करेंगे कि एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है। तो एडवर्टीजमेंट मतलब ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को या जो नॉलेज सप्लाई करता है प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी चीजें डालूंगे। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप यहां पे ये इंट्रोडक्शन हुआ, फिर बॉडी के अंदर आपको क्या करना होता है 3-4 पैराग्राफ के अंदर चीजें आपको लिखना होता है। अब ये 3-4 पैराग्राफ के अंदर चीजें डालने का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब यहाँ पे होता है कि आपको एडवांटेजेस बताना है, आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बताना है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी अगर बताना है तो आप प्रोज एंड कॉन्स से रिलेटेड भी आप यह चीज़ें बता सकते हो और बढ़िया तरीके से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आपको कंक्लूजन देना है कि एडवर्टीजमेंट का सही में बैड इम्पैक्ट है या नहीं है यंग जनरेशन के ऊपर, ये आपको कंक्लूड करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप कंक्लूजन नहीं देखेंगे तो काम नहीं बनने वाला है आपका। तो कंक्लूजन देना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो आप कंक्लूजन दोगे और इसमें आपको सोर्स नहीं लिखना होता है, सोर्स आप रिपोर्ट में डालते हो, आर्टिकल के अंदर कभी भी सोर्स नहीं डाला जाता, इसको आप माइंड में पकड़ लो ध्यान से। आप इसके अंदर सोर्स मेंशन नहीं करेंगे, सोर्स कहां पे करने वाले बताइए मुझे, सोर्स सर सबसे आखिर में अपन लोग यहां पे डालना होता है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे, बोलिए मुझे जल्दी से। यस सर। प्रेसे देखा, पैसेज देखा, कम्युनिकेशन देखा, और ये कौन सा देखा, आर्टिकल से रिलेटेड चीजें देखी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन यंग जनरेशन, ये हमारे टॉपिक का नाम हुआ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बायलाइन लिखा, बायलाइन का मतलब होता है कौन व्यक्ति यहाँ पे लेटर को लिख रहा है। गलती से भावनाओं में बह के खुद का नाम मत डाल देना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बाय अनुराग करके, हो गया खेल हो गया बेटा, समझना बात को, लग गए। तो ऐसे ही केस के अंदर फिर बढ़िया स्क्रीन पे लिख के आता है योर पेपर इज ऑन होल्ड ड्यू टू सम माइल्ड प्रैक्टिसेस, और आपके रिजल्ट को भी तेल कर देंगे, है ना। अब देखो ये पैराग्राफ था इंट्रोडक्शन का, इसके बाद ये था बेटा यहाँ पे मतलब एडवांटेजेस का, ये था डिसएडवांटेजेस का, और आखिर में यहाँ पे हमने किया था कंक्लूजन। देखो वी कैन कंक्लूड दैट करके ऐसा हम लोगों ने लिखे थे, बराबर है क्या?
बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, है ना? तो ये पूरी पूरी चीज़ें क्या बोली जा रही है बताइए मुझे। ये पूरी पूरी चीज़ों के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे कुछ एडवांटेज हुआ, कुछ डिसएडवांटेज हुआ, और आखिरी में यहाँ पे कंक्लूजन हुआ। बस इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करना है, इसी प्रकार की चीज़ें अपने को बढ़िया से करते हुए चलना है। आ जाएंगे नोट मेकिंग को थोड़ा बाद में कराता हूँ, नोट मेकिंग थोड़ा सा खतरा वाला टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा लेट लेट के अपने को करवाना पड़ेगा, है ना? एकदम तुरंत तुरंत करा दूंगा तो आपको झेपा नहीं जाएगा कि हो क्या रहा है जीवन में। रुक जाओ, हाँ चलिए आइए, एक 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 चीज़ें अब मेल राइटिंग के ऊपर आते हैं। पहले बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल चीज़ों को थोड़ा सा निपटा देता हूँ मैं आपको, जो छोटे छोटे टॉपिक है और आने के मतलब 50-50% चांसेस है। जो आनेच वाला है, जैसे प्रेसे आनेच वाला है, पैसेज आनेच वाला है, वो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और कम्युनिकेशन आनेच वाला है, ये तीन टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं लगभग 16 नंबर के। फिर आर्टिकल आता ही 20 नंबर के टॉपिक यहाँ पे आते हैं। मतलब आप देखोगे तो देखो बहुत ही बेसिक बेसिक करके अपन ने 20 मार्क के, और इतने सारे जो चीज़ें मिलाएं ना आप लोगों, रेज्यूम मीटिंग और वो सब कर लोगे ना, वो आता कितने का है? 5 मार्क का। जैसे कि ईमेल, रेज्यूम मीटिंग और ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये 5 मार्क के लिए एग्जाम में आते हैं, है ना? तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब गड़बड़ हो सकती है करके, है ना? चलिए आइए, ध्यान दो, सुनिए। अगर हम लोग बात करेंगे ईमेल से रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, सर ईमेल से रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग? ईमेल से रिगार्डिंग बात करेंगे, ईमेल से रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, क्या अपने को बताना है ईमेल के अंदर, जल्दी से बताइए मुझे। सर ईमेल के अंदर हमको बताते हुए चलना है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देख लो, फॉर्मेट देख लो ईमेल का, सारे के सारे लोग है ना, फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले क्या होता है? फ्रॉम होता है। फ्रॉम के बाद क्या होता है दोस्तों? टू होता है। टू के बाद क्या होता है? सीसी होता है, और उसके बाद बीसीसी होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या आता है सर? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है सर? सैल्यूटेशन आता है। उसके बाद मेन बॉडी आते हैं, इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है? फिर आता है क्लोजिंग, उसके बाद अटैचमेंट्स जो मेल में अच्छे लगते हैं रियल लाइफ में नहीं, और आखिर में आता है सिग्नेचर लाइन। ये पूरी चीजें एक मेल का ऐसा फॉर्मेट बनता है, ठीक है? जरूरी नहीं है हर जगह अटैचमेंट हो इच करके, ऐसा जरूरी नहीं है। सिग्नेचर लाइन हर जगह होगा, क्लोजिंग हर जगह होगा, ये बाकी सारी चीजें तो मिल सकती है आपको, लेकिन ये सीसी बीसीसी भी जनरली ब्लैंक ही रहता है। क्या रहता है बोलो जल्दी से? जनरली ब्लैंक ही रहता है। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे ना सारे के सारे लोग, चलिए आ जाइए। देखो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले फ्रॉम आता है। फ्रॉम के बाद क्या आता है? टू। टू के बाद क्या आता है बताइए जरा सर? फ्रॉम हुआ, टू हुआ। फ्रॉम टू के बाद यहाँ पे आता है सीसी और बीसीसी। फ्रॉम हुआ, टू हुआ, सीसी बीसीसी हुआ। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना चाहिए क्या मैंने? हाँ सर, सब्जेक्ट को लिख दीजिए करके देखते हुए चलेंगे। हाँ सर, सब्जेक्ट को लिख दीजिए। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, ये सारी चीज़ें सैल्यूटेशन का पार्ट बनती है ना। तो एक लाइन छोड़ के आप सैल्यूटेशन को यहाँ पे लिखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सैल्यूटेशन के बाद इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी आता है, और कंक्लूजन आता है। क्या आता है? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ऐसे तीन टॉपिक्स आएंगे, मतलब तीन चीजें आएंगी। फिर सर यहां पे क्या आते हैं? क्लोजिंग रिमार्क्स आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं बोलो जल्दी से? क्लोजिंग रिमार्क्स आते हैं। क्या आते हैं? क्लोजिंग रिमार्क्स आते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको चाहिए तो आप अटैचमेंट भी डाल सकते हो मेल के अंदर। अगर आप कुछ लिख के भेज रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो वो वाली चीजें भी आप मेल के अंदर डाल सकते हैं। कोई दोहराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात उसके अंदर नहीं है। क्या बात को समझ रहे? कम ऑन एवरीवन, बोलो जल्दी से दोस्तों। यस सर, एकदम बढ़िया से समझ रहे। आ जाइए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं क्या है करके, है ना? जैसे देखो, यू आर रानी, ठीक है, आप रानी हो बेटा, ठीक है, आ जाइए। यू आर राज या रानी, यू आर राज या रानी, यू आर राज या रानी, हाँ, यू आर राज या रानी मेहता, मतलब अगर आप लड़के हो तो आप राज शब्द का इस्तेमाल करना, और लड़की हो तो रानी, या आपको जैसा ठीक लगे वैसा। एच आर हेड ऑफ सी एन सी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्या है बोलो जल्दी से? इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ड्राफ्ट करना है फॉर्म, फॉर्मल ईमेल स्टेटिंग द यहाँ पे क्या डिटेल्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में आप बताओगे, जो आपको शेड्यूल किया जाता है द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट। मतलब सर बोला जा रहा है कि यहां पे आपने ईमेल बताना है जिसके अंदर आप सामने वाले व्यक्ति के लिए इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हो, एक कैंडिडेट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट से रिगार्डिंग यहां पे बात कर रहे हैं। देखो चलो आ जाएंगे, सुनो बात को। फ्रॉम किससे जा रहा है सर? फ्रॉम यहां पे राज से जाने वाला है या रानी से जाने वाला है? टू मैंने क्या नाम लिखा? xyz@gmail.com। क्यों मैंने xyz लिखा? क्योंकि नाम सामने वाले का लिखना है क्या? नहीं। सीसी बीसीसी, जब तक कोई खास नाम नहीं दिया गया बेटा, तब तक आपको क्या रखना है? तब तक आपको ब्लैंक रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट में क्या आता है यहाँ पे? शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू के बारे में सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। क्या बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। उसके बाद एक लाइन का गैप दिया मैंने। फिर आता है यहाँ पे सैल्यूटेशन से रिलेटेड, जैसे डियर मिस्टर xyz। अब ये क्या हुआ बेटा? सामने वाले को अपन ने ग्रीट किया, इसे सैल्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? सैल्यूटेशन का नाम इस चीज को देते हैं, ठीक है सर? परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे
होप यू आर डूइंग ग्रेट, ये पूरा पूरा इंट्रोडक्शन के अंदर आता है. वी हैव रिसीव्ड योर रेज्यूम एंड इट गिव्स एंड इट सूट्स टू अवर रिक्वायरमेंट. वी हैव बीन लुकिंग फॉर द सीनियर अकाउंटेंट हु इज गुड इन मैनेजिंग ऑल द अकाउंट्स ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट फर्म. वी आर इन टू द बिजनेस सिंस पास्ट 20 ईयर्स. तो ये पूरा के पूरी जो चीज़ें हुई ना बेटा, ये पूरी की पूरी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाती है. किसके अंदर आ जाती है बोलो, इंट्रोडक्शन के अंदर ये पूरी की पूरी चीज़ें आपकी आ जाती है. ठीक है सर, ये भी परफेक्ट है, मज़ा ही आ गया अभी तो, है ना. ओके आओ, तो ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे कर ली गई है सर. ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, देखो यू आर इनवाइटेड फॉर एन ऑफिशियल इंटरव्यू विद विच इज शेड्यूल एट हेडक्वार्टर्स के अंदर 6 PM. फिर आपने इंटरव्यू के बारे में बात की, रिक्वेस्ट यू काइंडली प्रोवाइड अस विद द कंफर्मेशन बाय एंड ऑफ डे. इंटरव्यू के बारे में बताइए. अब रिक्वेस्ट किया है कि आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को लाना, ये क्लोजिंग रिमार्क्स के अंदर आ जाती है बेटा यहाँ पे चीजें. फिर यहाँ पे अब देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसके अंदर रेज्यूम अटैच कर दो. बेटा आप इंटरव्यूअर हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप कहाँ से रिज्यूम को अटैच करूंगे उसके अंदर. अरे समझ रहे क्या बात को जो मैं कह रहा हूं आपके साथ, है ना. तो ऐसे केस के अंदर यहां पे चीजें आती है. तो मेरा वही कहना है कि आप यहां पे भावनों में बहके मत डाल देना चीजें. क्या कह रहा हूं मैं, आप यहां पे भावनों में बहके चीजें मत डाल देना. बोले मैं लिख देता हूं रिज्यूम करके प्लीज फाइंड अटैच. अरे आपको नहीं डालना है, पहले ही कह दे रहे हैं हम आपको, है ना. आप उसके अंदर मेंशन नहीं करने वाले हो, ऐसा कह रहा हूं मैं. और ये होते हैं बेटा आखिरी वाली चीजें, सिग्नेचर लाइन इसे कहते हैं. क्या कहते हैं बोलो, सिग्नेचर लाइन हम लोग कहते हैं, सिग्नेचर लाइन हम लोग कहते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं. बराबर है क्या, बोलो सारे के सारे लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना. यस यस यस, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है. क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या, बोलो 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 जल्दी से बोलेंगे मुझे, है ना. एकदम सिंपल है सर, मेल राइटिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं था इसके अंदर. एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ पूरा पूरा इसका जो भी है. देखो फॉर्मेट के अंदर सर सबसे पहले फ्रॉम आता है, फिर टू आता है, फिर CC BCC आता है, फिर सब्जेक्ट आता है. फिर सब्जेक्ट में सर कौन सी चीज है, सैल्यूटेशन वाला पोर्शन आता है. उसके बाद सैल्यूटेशन मतलब जब आप ग्रीट करते हो. फिर मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, अटैचमेंट और सिग्नेचर लाइन, ये पूरी पूरी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है. समझे या नहीं समझे फटाफट जल्दी से बोलिए. नोट्स मैं आपको पिन करवा दूंगा बाद में, अभी जब थोड़ा सा क्लास चल रहा है मैं बाद में. वैसे मैंने आपको इतने बार तो दे दिया आज सुबह के लेक्चर में, तो ड्राइव की लिंक दिया था पूरे, तो नोट्स उसी में पड़े हुए बेटा. देखो ये वाली चीज क्लोजिंग रिमार्क्स के अंदर आती है, है ना, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को लेके आइएगा, लुकिंग फॉरवर्ड. तो ये क्लोजिंग रिमार्क्स यहाँ पे आ जाता है, और ये होती है सिग्नेचर लाइन से रिलेटेड, ऐसा मैं कह रहा हूँ. बराबर है, चलिए क्या बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलो मुझे जल्दी से क्या बात को समझ रहे हैं क्या. यस सर, चलिए आइए अब चलेंगे किसके ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों. मीटिंग्स के अंदर तीन प्रकार की चीज़ें होती है. कौन सी तीन प्रकार की चीज़ें होती है, एक एजेंडा होता है, एक कौन सा होता है बोलो जल्दी से, एक होता है एजेंडा, दूसरा होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, और तीसरा होता है ATR. पहला होता है एजेंडा, दूसरा होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, और तीसरा होता है ATR. पहला क्या होता है बताइए जल्दी से सर. पहला यहाँ पे होता है एजेंडा, दूसरा होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और तीसरा होता है ATR. ये तीन प्रकार के टॉपिक्स या तीन प्रकार की चीज़ें हम लोगों को देखना है. ठीक है, आ जाइए सर. ये एजेंडा का मतलब क्या होता है, एजेंडा का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है. एजेंडा का मतलब होता है टाइम टेबल देना. क्या देना बताइए जल्दी से, एजेंडा का मतलब होता है टाइम टेबल देना दोस्तों. क्या देना बोलो पटपट जल्दी से बताइए ना मुझे, इसका मतलब होता है टाइम टेबल देना एजेंडा, है ना. एजेंडा इज द ब्लू प्रिंट फॉर द सक्सेसफुल मीटिंग, कि कल चल के अपनी जो मीटिंग होने वाली है ना वो कैसे कंडक्ट की जाने वाली है, तो उस चीज को बोला जाता है एजेंडा से रिलेटेड. अब इसके अंदर सर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव बताते हैं, हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बताते हैं, कौन से इश्यूज पे बात होने वाली है उसको बताते हैं. ऐसे अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे बात की जाती है. इसके अलावा सर हम लोग सारी चीज़ें अलॉट करते हैं टाइमिंग को. जैसे देखो अपने स्कूल के अंदर कैसे बेटा हुआ करते थे, टाइम टेबल अपने को दे दिया करते थे कि ये टाइम पे आपका ये सब्जेक्ट होने वाले हैं और ये टीचर आने वाले हैं. तो बस वही वाली चीज़ है यहाँ पे एजेंडा, और कुछ नहीं, नया कुछ भी नहीं है. एजेंडा का वही मतलब होता है यहाँ पे, है ना. आओ देखो, तो एजेंडा के अंदर सर क्या डाला हमने, सर टाइम डाला यहाँ पे 9 AM से रिलेटेड टाइम डाला. क्या डाला बोलो, 9 AM से रिलेटेड टाइम डाला. इंट्रोडक्शन आ गया. अटेंडीज के अंदर सर यहाँ पे नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, स्पीकर आ जाएगा. ड्यूरेशन देखो यहाँ पे आपका कैसे फॉर्मेट बनता है, तो सर फॉर्मेट हमारा बनता है TTASD के नाम से. कैसे बनता है बोलो, TTASD एजेंडा बना रहे, टैबुलर एजेंडा, तो ये बनता है TTASD के नाम से. जैसे टाइम, टॉपिक, अटेंडी, स्पीकर, ड्यूरेशन, टाइम, टॉपिक,
topic attendee speaker duration, time topic attendee speaker duration, time topic attendee speaker duration. तो इसे बोला जाता है TTASD वाला topic. क्या बोला जाता है बोलो? TTASD वाला topic इसे हम लोग कहते हैं. सबसे पहले time की कितने बजे यहाँ पे चीजें शुरुआत हो रही है तो उसे time बोला जाता है. फिर introduction आने वाला है. सबसे पहला topic तो introduction दिया जाएगा ना. Attendees मतलब जो जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उसे attendees बोला जाता है. फिर speaker मतलब कौन उस समय बड़बड़ करने वाला है उसे स्पीकर बोला जाता है. और कितने ड्यूरेशन के लिए बड़बड़ करने वाला है उसे यहाँ पे ड्यूरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं बोलो? उस चीज को यहाँ पे ड्यूरेशन कहते हैं. तो हमने कहा टाइम क्या, टॉपिक क्या, अटेंडिस क्या, स्पीकर क्या, ड्यूरेशन क्या. क्या बोला हमने? टाइम क्या, टॉपिक क्या, अटेंडिस क्या, स्पीकर क्या, ड्यूरेशन क्या. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है. अब सर 15 मिनट का ड्यूरेशन है तो अगला टाइम कितना होने वाला है? 9:15 का. अब इसके अंदर कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कौन लोग होंगे? तो ये सारे लोग कॉमन रहने वाले अटेंडिस. क्या अटेंडिस कभी चेंज होते रहते हैं क्या बेटा? आपने फंक्शन में जितने लोगों को बुलाया वही लोग अटेंडिस रहते हैं ना? बार बार चेंज होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है. मीटिंग से पहले उतने लोगों को आप बुला लो तो वो सारे के सारे अटेंडिस के अंदर आ जाते हैं. तो फिर उसके बाद हमने को देखना है नेम ऑफ स्पीकर को. और फिर जो भी यार स्पीकर बार बार चेंज हो सकता है, बस इसी प्रकार से चीज़ें चलने वाली है. इसके अंदर बस आपको टी ब्रेक देना होता है. फिर आप यहाँ पे ओपन हाउस आखिर में देते हैं जिसके अंदर किसी भी प्रकार के स्पीकर का कोई काम नहीं होता है. ओपन हाउस का मतलब क्या होता है? ओपन डिस्कशन के लिए आप यहाँ पे टाइम देते हैं कि अगर किसी को कुछ अपने सफाई में कहना है तो कह दो करके, उसे ओपन डिस्कशन बोला जाता है. तो ये जो ओपन डिस्कशन चल रहा है ना उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है. और आखिर में आपको देना होता है थैंक यू नोट. क्या देना होता है बोलो जल्दी से सर? लास्ट में अपने को थैंक यू नोट देना होता है. सारे मेंबर्स को चेयरपर्सन थैंक यू नोट देता है, यानी कि जो व्यक्ति शुरुआत कर रहा है वो भी व्यक्ति, वही व्यक्ति क्या थैंक यू नोट भी दे सकता है क्या? हाँ, वही व्यक्ति भी दे सकता है. उसके अंदर भी कोई दोहराए नहीं है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ. उसके अंदर भी कोई दोहराए नहीं है, बराबर है क्या? बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? हाँ सर आ जाएंगे. चलो तो हमने क्या देखा सर? हम लोगों ने क्या देखा बोलो जल्दी से? हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी. तो मैं अगर एक मिनट, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती है किसके अंदर सर? एजेंडा के अंदर आ जाती है. मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है? मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर सर हम लोग है ना यहाँ पे देखो डिटेल में चीज़ों को लिखते हैं. मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंटेन कब किया जाता है? जब आपकी एक्चुअल में मीटिंग हो रही होती है तब हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग को बनाते हैं. फिर से कहूँगा, जब आपकी एक्चुअल में मीटिंग हो रही होती है तब हम लोग यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग को बनाते हैं, बराबर. कौन सी सर आती है ज़रा बताइए. तो इसके अंदर जैसे देखो मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ तो सर यहाँ पे आपको देखना होगा. देखिए सबसे पहली चीज़ें क्या, सबसे पहली चीज़ें यहाँ पे आती है डेट से रिगार्डिंग. क्या आती है बोलो जल्दी से? डेट से रिगार्डिंग चीज़ आती है. पहली चीज़ आप डालते हो डेट. फिर आपको डालना होता है मीटिंग स्टार्टेड एट. फिर यहाँ पे आपको डालना होता है पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट, कि कौन कौन व्यक्ति प्रेजेंट है वहाँ पे. फिर हर एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है, जैसे मिस्टर कमलेश और वो कौन है, तो प्रोडक्ट हेड है, स्पोक अबाउट द न्यू प्रोडक्ट या गिव इंट्रोडक्शन के बारे में आप डालोंगे. फिर उसके बाद शालिनी रीजनल मैनेजर है, जो भी चीज़ें करने वाली है उसके बारे में आप डालोंगे. फिर ऐसे हर एक व्यक्ति जो जो चीज़ें करते जाता है बेटा वो सारी चीज़ें आप डालते हो टिल आखिरी तक, जब चेयरमैन डिक्लेयर करता है ओपन हाउस को फॉर पार्टिसिपेंट्स टू पुट अप देयर कंसर्न्स, तब तक आप सारी चीज़ें डालते हो. और आखिरी में यहाँ पे आपको कंक्लूजन स्टेटेड लिखना होता है. क्या लिखना होता है बोलो? कंक्लूजन स्टेटेड आपको डालना होता है कि क्या क्या कंक्लूजन आप डाल रहे हो. जैसे प्रपोजल फॉर मोर फंड्स हुआ, ये कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा मीटिंग हुआ ना इस मीटिंग के अंदर आप कौन से कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे, कौन से चीज के ऊपर आप पहुंच गए, कौन से फाइनल चीज है क्या डिसाइड हुई आपकी, उसे कंक्लूजन टू बी स्टेटेड बोला जाता है. फिर आपको यहाँ पे टेंडर्स के बारे में भी लिखना होता है, टेंडर्स टू बी रिलीज और ATR कब तक आपको सबमिट. ATR का मतलब होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट. बोलो ATR का क्या मतलब होता है? ATR का मतलब होता है यहाँ पे एक्शन टेकन रिपोर्ट. ATR का मतलब होता है यहाँ पे एक्शन टेकन रिपोर्ट. कम ऑन एवरीवन, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ऐसा ATR का मतलब होता है. क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर. तो हमने क्या क्या देखा बताइए. देखो अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है ना, आप बस केवल ध्यान से सुनते रहिए मैं जो कह रहा हूँ आपके साथ. जो सेकंड टाइम पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है, उनको तो पता ही है ये सब क्या करना है, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा सा बार बार रिवाइज कर करके हिट करा करा के कर रहा हूँ. दो घंटे के अंदर अपना पूरा BCR का निपट जाएंगी चीज़ें. कम्युनिकेशन क्योंकि हो चुका है अपना इसलिए है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ बार बार अपन चीज़ें करेंगे तो हो जाएगा. बस मैं बस ध्यान देते रहिए. अगर आप मेरे साथ क्लास में कर रहे हैं तो फुल 100% से करिए. ज़्यादा चैट के तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर रिएक्ट नहीं करना है. अगर आप कर रहे हो क्लास तो अच्छा
अच्छे से करो वरना फुट हो यहाँ से, समझ गए बात को, बाद में जब मन लगेगा तब क्लास करना बराबर, पहले ही क्या करोगे एकदम, क्योंकि कल पेपर है बेटा और उसके अंदर अगर आप चकलस करोगे तो अच्छा नहीं लगता है फिर, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, मेरी जान जलती है कि आपको लिटरली आवाज से फील होना चाहिए अभी कि कितना ज़्यादा मतलब ये हो रहा होगा, आवाज कितनी बैठी हुई है और कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, है ना, तो ये लेकिन आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रही है ये सब चीज़ें, और आपका उल्टा आप ही का पेपर कल है बेटा, समझ रहे हैं आप बात को, आप ही का पेपर कल है, ये तो गलत बात है ना। आइए तो अगर मैं बात करूं आपके साथ सर, एजेंट यहाँ पे कौन, तीन प्रकार की चीज़ें होती है सर इसके अंदर, एटीआर आता है, एजेंडा आता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग आता है और एटीआर आता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कौन सा, एजेंडा देखा, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ें देखी वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखी, जिसके अंदर हम लोगों का लास्ट में क्या डालना होता है, कंक्लूजन स्टेटेड वाला पॉइंट हमको मेंशन करना होता है। अब सर एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सर यहाँ पे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है ना, वहां से 7 दिनों के अंदर आप यहाँ पे एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाते हो, यानी कि 7 दिनों के अंदर आपको बताना होता है कि ये जो आपने कंक्लूजन लिए थे, इस कंक्लूजन के ऊपर आप कौन से डिसीजंस के ऊपर पहुंचे ना, उसके बारे में आपको बताना होता है, क्या आपने डिसीजन इसके इसमें लिया या नहीं लिया करके, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? चलिए देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दीजिए, है ना, आओ आइए देखिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या आती है बताइए जल्दी से मुझे, सबसे पहली चीज़ आती है डेट से रिगार्डिंग, कौन सी चीज़ आती है बोलो, डेट। फिर उसके बाद आता है मीटिंग की डिटेल्स की, एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 5th of December जो हेड ऑफिस में रखी गई थी, प्लेस और डेट इसके अंदर आने वाली है। फॉलोइंग एक्शन हैव बीन रिपोर्टेड, है ना, फॉलोइंग एक्शन हैव बीन रिपोर्टेड, कौन सी चीज़ है ये, कि अपन ने वर्क कर लिया, जो भी अपन ने टेंडर बुलाए थे वो आ गए, ऑर्डर को रिटेन कर लिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालना होता है। और आखिरी में आप करोगे चीजों को लेके अंडरसाइन, क्या करोगे चीजों को लेके अंडरसाइन आप यहां पे करते हो, मतलब कि आपको डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, डायरेक्टर बिजनेस, ऐसा आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन से रिलेटेड एटीआर यहां पे आता है। आइए एक आधा सवाल कराऊंगा तो चीजें समझेंगे। देखो, राइट अ मिनट्स ऑफ अ मीटिंग ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द बैड कस्टमर फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट, डिस्कस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो मैंने इसके अंदर क्या किया बेटा, एजेंडा, एमओएम और एटीआर तीनों चीजें बनवा दिया, समझना बात को, एजेंडा, एमओएम और एटीआर तीनों चीजें मैंने इसके अंदर बनवा दिया आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो एजेंडा के बारे में बात करेंगे। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि बेटा टाइम, टॉपिक, अटेंडी, स्पीकर, ड्यूरेशन, क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से, टाइम, टॉपिक, अटेंडी, स्पीकर, ड्यूरेशन के अंदर ये जो अटेंडीज है ना बेटा, ये बार बार आपको इतने सारे लोगों के नाम लिखने पड़ते थे, तो हमने इसका एक ये निकाल लिया कि ऑल मेंबर्स, है ना, हम यहां पे लिख देते हैं ऑल मेंबर्स। अब ऑल मेंबर्स में कौन कौन आता है, तो ऑल मेंबर्स इंक्लूड मिस्टर ए बी सी डी, समझना बात को। अब जो भी यहां पे नाम आने वाले ना, उनके नाम ने यहीं पे पहले से लिख दिया है, ये चीज आप बाद में ये पूरा लिखने के बाद भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन बात नहीं है। सबसे पहले देखो क्या आने वाला है, 9 AM को इंट्रोडक्शन हुआ, ऑल मेंबर्स यहां पे रहने वाले, मिस्टर ए ने दिया 15 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर उसके बाद 15 मिनट के लिए दिया, तो अगला टाइम कितना होने वाला है, 9:15 AM। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे सर, क्या करेंगे बोलो, एनालाइज करेंगे इशू को, ऑल मेंबर्स यहां पे करेंगे मिस्टर बी, और 30 मिनट के लिए यहां पे चीजें की जाती है। फिर उसके अलावा 30 मिनट के बाद 9:15 से कितना होने वाला है, 45 AM। इसके अंदर अपने को दूसरा टॉपिक, जैसे क्या देखो, पहला क्या था, एनालाइज करेंगे इशू, जो बैड कस्टमर का फीडबैक आया है वो। अब उसके बाद अपनी क्या क्या फाइंडिंग्स रही, अपने को क्या चीजें पता चली, है ना, वो वाली बात आती है, ये कौन बता रहा है, मिस्टर सी बता रहा है। फिर उसके बाद टी ब्रेक लिया, फिर फ्यूचर एक्शन प्लान होने वाला है, ये कौन बताएगा, मिस्टर डी। फिर ओपन हाउस में ब्लैंक होता है और थैंक यू नोट मिस्टर ए देने वाला है, जो कि चेयरमैन है। अब यहां पे अपन ने लिख दिया मिस्टर ए चेयरमैन है, मिस्टर बी यहां पे मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है। यहां पे अपन पर्सन के नाम और उनका डेजिग्नेशन को लिख दिया जो अटेंडीज के अंदर आने वाले हैं, और उसी के अंदर से एक एक लोग स्पीकर भी बनने वाले हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा, उसी के अंदर से एक एक लोग स्पीकर भी बनने वाले हैं, ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है। फिर हम लोगों ने क्या किया सर, फिर हम लोगों ने मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाया इसका। सबसे पहले क्या दिया जाता है, डेट दिया जाता है, फिर आप डालते हो मीटिंग स्टार्टेड एट, फिर ऑल पार्टिसिपेंट्स के अंदर कौन कौन है, फिर अब यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशन, कुछ नहीं करना है, मिस्टर ए ने स्टार्ट किया मीटिंग, मिस्टर बी मार्केटिंग मैनेजर ने इशू को किया एनालाइज, मिस्टर सी ने बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर ने रीजन बताया, मिस्टर डी ने इनसाइट्स दिया। देखो, मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर आपको लंच ब्रेक का यहाँ पे चीजें नहीं देना है कि नाउ लंच ब्रेक वॉज गिवन एंड सम पीपल विद सम
पीपल वेर हैविंग चाय की चुस्की करके, आप ऐसा नहीं बोल सकते उसके अंदर, है ना। और आखिर में यहाँ पे आपको चेयरमैन ने ओपन कर दिया फोरम और वोट ऑफ थैंक्स दिया, ऐसा आपको बताना होता है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये वाले जो नोट्स है ना, राइटिंग वाले जो आंसर वाले, वो भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। चलिए आइए, अब अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो फिर आखिर में आपको कंक्लूजन स्टेट करना होता है कि इस मीटिंग के अंदर पूरी पूरी कौन सी चीज़ें यहाँ पे हुई है, वो आपको कंक्लूजन यहाँ पे स्टेट करना होता है, पूरा पूरा कंक्लूजन यहाँ पे स्टेट करना होता है, ऐसा कह रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या क्या गैप दे दिया, देखिए वैसे तो मैं सही बहाने में एक बात बताऊँ ना, ये तीनों चीज़ें आप एक के नीचे एक लिख सकते हो, बट मैंने गैप गैप देखे सारी चीज़ें लिखी तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। क्या बन रहा है मैं बताऊँ आपको, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ आपके साथ, समझ गए क्या? बोलो जल्दी से मुझे क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या, है ना। यस सर, परफेक्ट है क्या? बोलिए 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 जल्दी से, है ना। यस यस, एकदम सिंपल, एकदम ज़्यादा सिंपल। अब ये कंक्लूजन स्टेटेड को लेके अपना क्या बनने वाला है, ATR बनने वाला है। कितना लॉजिकल फ्लो है, देखो मीटिंग से पहले बनता है उसका एजेंडा, मीटिंग के दरमियाँ उसका बनता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, और उसके बाद यहाँ पे क्या बनने वाला है, उसके बाद यहाँ पे बनने वाला है ATR से रिलेटेड चीज़ें होती है। क्या होती है? ATR से रिलेटेड चीजें होती है, क्या आप इस बात को समझे? यस सर, देखो एक्शन टेकन रिपोर्ट, सबसे पहले डेट लिख दो यहां पे, फिर यहां पे आने वाला है मीटिंग की डेट कौन सी हुई थी अपनी, 15 जून को हुई थी सर, और उसके अंदर हेड ऑफिस के अंदर फॉलोइंग एक्शन को रिपोर्ट किया, जो भी आपने चेंजेस किए एक्शन किए उसको रिपोर्ट करेंगे और अंडरसाइन करके छोड़ देंगे। क्या करेंगे? अंडरसाइन करके छोड़ देंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्या आप इस बात को समझे? क्या बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? है ना। यस, चलो आगे बढ़े, बोलो जल्दी से आगे बढ़े। आ जाओ, ध्यान दो, आइए सुनिए। रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे सर, ये रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या होता है, तो रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो रिपोर्ट में ना एक्चुअल में कुछ घटना हुई रहती है, मतलब रियल इंसिडेंट हुआ रहता है, समझ लो बात को। ये रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, रियल इंसिडेंट हुआ रहता है, ठीक है। अब उस रियल से रिलेटेड आप क्या करते हो, उस रियल से रिलेटेड आप चीज़ों को मेंशन करते हो, समझना, रियल चीज़ें ऑलरेडी हुई रहती है, अब उस रियल से रिलेटेड आप चीज़ों को मेंशन करते हो, मैं ऐसा यहाँ पे आपके साथ कहना चाहता हूँ, है ना। ओके सर, आप चीज़ों को यहाँ पे क्या करते हो, मेंशन करते हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले ना इसका टॉपिक का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है बेटा यहाँ पे, उसके बाद एक्चुअली बायलाइन आती है। क्या आती है बोलो जल्दी से? बायलाइन आती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ न्यूज़पेपर रिपोर्ट के रिगार्डिंग। देखो रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी एक पर्टिकुलर इवेंट या इशू हुआ रहता है ना, उस चीज़ के बारे में जब आप उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज कर देते हो, क्या कर देते हो, जब आप उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज कर देते हो, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं इसे रिपोर्ट राइटिंग का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? रिपोर्ट राइटिंग का। ये कब प्रेजेंट करते हैं सर? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और कंसिडरेशन बाय द अपॉइंटेड पर्सन। तो एक बार आप पूरी चीज़ें अपॉइंटेड पर्सन कंसिडरेशन और सारी चीज़ें ले ले, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ें करते हो, या उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ों को देखते हो। अब तीन प्रकार के रिपोर्ट्स यहाँ पे होते हैं, कौन से बताइए मुझे जल्दी से। सबसे पहला होता है यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट, दूसरा होता है मैगजीन रिपोर्ट, और तीसरा होता है ऑफिशियल रिपोर्ट। मुझे एक बात बताइए, मीटिंग के अंदर आपको सवाल आया और मीटिंग के अंदर बोला है सवाल में मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाओ, तो क्या आप सही में तीनों बना के आ जाओगे? क्या नहीं बनाओगे ना, ऑब्वियस ही बात है। वो मैंने आपको क्यों प्रैक्टिस करवाया? मैंने इसलिए प्रैक्टिस करवाया, इसलिए आपको बताया, ताकि आप देख लो कि तीनों में आंसर कैसा होता है। आपको ATR बोला, आप बोल रहे नहीं नहीं मेरे को तो ये सबसे अच्छे से आता है, मैं तो एजेंडा भी बनाऊंगा, मेरे को मार्क्स चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। ATR बोला है तो ATR लिखो, मिनट्स ऑफ मीटिंग बोला है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखो, अगर आपको यहाँ पे एजेंडा बोला है तो एजेंडा लिख के आइए, मेरा ऐसा कहने का तात्पर्य है ना। चलिए आ जाओ, आओ दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे रिपोर्ट के ऊपर। तीन प्रकार के रिपोर्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के रिपोर्ट्स होते हैं बोलेंगे सभी लोग? तीन प्रकार के रिपोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ सर, तीन प्रकार के रिपोर्ट्स के अंदर सबसे पहली चीज कौन सी है सर? तीन प्रकार के रिपोर्ट्स के अंदर सबसे पहली वाली जो चीज मैं देखने जा रहा हूँ यहाँ पे, या सबसे पहली वाली चीज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर आपको सबसे पहले देना होता है हेडलाइन, क्या देना होता है? टाइटल देना होता है सेंटर के अंदर। फिर उसके नेक्स्ट लाइन के अंदर आपकी बायलाइन आती है, फिर आप एक लाइन का
गैप छोड़ोगे, फिर आप यहाँ पे डालते हो प्लेस और डेट के बारे में, किसके बारे में, प्लेस और डेट के बारे में, और फिर उसके बाद आपकी पूरी पूरी बॉडी ऑफ रिपोर्ट आने वाली है। क्या आने वाली है? पूरी पूरी बॉडी ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो सभी लोग बोलेंगे क्या, सबसे पहले क्या आता है, टाइटल आता है, टाइटल के बाद क्या आता है बेटा, बायलाइन, फिर एक लाइन का गैप आता है, फिर यहाँ पे प्लेस और डेट आता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है बताइए मुझे जल्दी से। प्लेस और डेट के बाद यहाँ पे चीजें रहने वाली है, और फिर यहाँ पे बॉडी यहाँ पे आती है। क्या आप इस बात को समझे? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, है ना? चलो, वैसे भी रिपोर्ट विपोर्ट कहाँ आप इतना लिख रहे हो, आपसे चीज़ें सर हमको नॉर्मल चीज़ें याद नहीं आती पड़ी हुई, तो ये तो बिना पड़ी हुई चीज़ें और वो भी टॉपिक से रिलेटेड हो गया सर, बस लग गई लंका, है ना? चलो उसके बाद मैगजीन रिपोर्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, लेकिन मेरा काम है बेटा पूरा पूरा बताना, तो मेरे को तो पूरा बताना ही पड़ेगा ना। आओ देखिए, आ जाओ सुनिए, इसके अलावा मुझे एक बात बताएंगे सर, यहाँ पे आपको है ना एक चीज़ डालना होता है, और वो क्या होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर सर, यहाँ पे अपने को सोर्स मेंशन करना होता है। क्या करना होता है बताइए? सोर्स भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हुए चलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? आखिरी में सोर्स आता है, एकदम लास्ट में सोर्स यहाँ पे लिखा होता है। फिर मैगजीन रिपोर्ट के अंदर सर यहाँ पे आता है टाइटल, टाइटल के बाद बायलाइन आता है, फिर एक लाइन का गैप दिया, पूरी की पूरी बॉडी आती है। यहाँ पे प्लेस डेट वाली चीज़ें आती है क्या? नहीं सर, प्लेस डेट वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर सर हमारा पहले टॉपिक होता है, टॉपिक के बाद सर यहाँ पे बायलाइन आना चाहिए, और फिर उसके बाद प्लेस या डेट यहाँ पे होना चाहिए। प्लेस डेट यहाँ पे खुद ही के इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ये लोग, और फिर आखिरी में आपको सोर्स डालना होता है। मैगजीन रिपोर्ट में देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम और बायलाइन, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 3-4 पैराग्राफ के अंदर बढ़िया तरीके से चीजों को समझाना है, है ना? बस उसी को बोला जाता है यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट हुआ, मैगजीन रिपोर्ट हुआ। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में डेट और प्लेस यहाँ पे दी जाती है, पर पता नहीं इन लोगों को क्या मच गई, यहाँ पे इन्होंने दे दिया TNN बायलाइन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है? TNN क्या होने वाला है यहाँ पे? बायलाइन होने वाला है। क्षितिज तुमको बावला हो गया है क्या? हॉस्पिटल भिजवाओगे मैं तुमको? कुछ भी बातें करते हैं यहाँ पे, हाँ ना? कैसे ये हो जाता है कुछ तो भी, पेपर के पहले ना 2-4 ऐसे स्क्रू निकल जाते शायद दिमाग के, कैसे कैसे तो भी हरकतें करते कुछ लोग। आओ, तो मैगजीन रिपोर्ट हुआ। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर, इसके अलावा सर एक आता है फॉर्मल रिपोर्ट। देखो मैं आपको एक दिल से एक बात बताता हूं बेटा, अगर एग्जाम में फॉर्मल रिपोर्ट आया ना, मत करना, छोड़ देना फॉर्मल रिपोर्ट, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपके साथ, छोड़ देना बेटा फॉर्मल रिपोर्ट, मत करके जाना, मैं पहले ही कह देता हूं, मत इतना बर्डन को लीजिएगा अपने ऊपर, है ना? आपको बाकी कुछ भी नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप केवल और केवल दो प्रकार के रिपोर्ट्स आती है तो आप कीजिएगा, फॉर्मल रिपोर्ट को अगर आप करने गए ना तो आप ही के लिए ज़्यादा मुश्किलदायक चीज़ें हो जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं, आप ही को अजीब सा चालू हो जाएगा, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, आप ही के लिए एकदम अजीब वाली सिचुएशन बन जाती है। फिर क्या, जैसे सर कैसा होता है, नहीं नहीं हम तो फॉर्मल रिपोर्ट करेंगे सर, आप ऐसा मना क्यों कर रहे हैं हमको, आओ फिर मैं समझाता हूँ आपको फॉर्मल रिपोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है करके, है ना? चलो आओ आओ मैं आपको बताता हूँ, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, होता है, जोश होता है लोगों के अंदर, आओ मैं बताता हूँ आपको फॉर्मल रिपोर्ट से रिलेटेड। देखो ये एक फॉर्मल रिपोर्ट है बेटा, ये क्या है, एक फॉर्मल रिपोर्ट है, ठीक है? ये इसका पहला पेज है, फिर उसके बाद ये इसका दूसरा पेज है, और उसके बाद ये इसका यहां तक तीसरा पेज। अब इन्होंने इतने छोटे छोटे फॉन्ट में, क्या बोल रहा हूं मैं, इन्होंने इतने छोटे छोटे फॉन्ट में जब 3 पेज लिख डाले, तो आप तो बेटा पूरे 3 घंटे केवल और केवल क्या लिखते रह जाओगे, फॉर्मल रिपोर्ट लिखते रह जाओगे, समझ रहे आप बात को, पूरे के पूरे 3 घंटे, एक तो आपका BCR होगा, नहीं तो आपका फॉर्मल रिपोर्ट होगा। 3 घंटे तो ज्यादा हो रहा था, मैंने कहा चलो 1 घंटा बोल देता हूँ, तो एक तो समझ रहे आप बात को, तो एक तो आपका ये होगा, और दूसरा नहीं तो आपका क्या होने वाला है, और दूसरा नहीं तो आपका ये होना है ना। चलिए आओ, अब अगर मैं बात करूँ, सुनिए दोस्तों ध्यान दीजिए, सुनो ना बात को, ध्यान देना क्या बोला जा रहा हूँ मैं, है ना? चलो आओ, तो यहाँ पे क्या होने वाला है सर, कैसा होता है एक बार बता दीजिए। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल चल के एग्जाम में, कल चल के क्या, कल ही अगर एग्जाम में और कुछ नहीं आया और सिर्फ यही अपने को आ गया ध्यान से, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने को सेंटर में क्या देना होता है, टॉपिक का नाम देना होता है। बोलो क्या देना होता है सर, सेंटर में टॉपिक का नाम देना होता है। फिर उसके बाद आता है टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, क्या आता है बोलो जल्दी से, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर आपको अब टू का मतलब क्या होता है, किसे आप रिपोर्ट दे रहे हो, कौन रिपोर्ट दे रहा है, फ्रॉम में कौन से तारीख को दे रहा है, और सब्जेक्ट मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, वो सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। फिर आती है आपके एक्नॉलेजमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप कौन से चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, कौन से चीज़ के लिए थैंकफुल हो, वो एक्नॉलेजमेंट्स के अंदर आती है। और फिर आपका आता है कॉन्टेंट,
कंटेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कॉजेस, इफेक्ट, सॉल्यूशन, कंक्लूजन, बाइब्लियोग्राफी। अरे भाई साहब, मतलब इतना अगर लिखते हुए चले ना तो बहुत ही बढ़िया हो गया, है ना। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो समरी अब आप डालोगे कि मैंने क्या क्या काम किया और क्या हुआ। फिर आप एक एक लिखना चालू करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या है, कॉजेज में क्या है, फिर यहाँ पे इफेक्ट्स में क्या है, उसके बाद सोल्यूशंस में क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको लिखते हुए चलना है। आखिर में कंक्लूजन्स क्या है और बिब्लियोग्राफी में कौन से लोग आने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन करोगे, तब जाके यहाँ पे चीज़ें बन जाती है, तब जाके आपका फॉर्मल रिपोर्ट कंप्लीट होता है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए अगर फॉर्मल रिपोर्ट आया तो कोशिश करना कि आपका एक ऑप्शनल के अंदर चीजें छूट जाए। मैं इस वीडियो के एंड के अंदर आपको कल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, कल की, इसकी आपको टेंशन नहीं लेना, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो मैं वही कह रहा हूं आप लोगों के साथ कि यहां पे ना आपको ऐसा थोड़ा सा स्मार्ट यूनो ऐसा खेलते हुए चलना है अपने को, मैं ये कह रहा हूं। तो आखिरी में आप रिपोर्ट कीजिएगा, तब तक आप रिपोर्ट करो ही मत, रिपोर्ट या आर्टिकल के लिए स्पेस छोड़ के रख दीजिएगा अगर बहुत ही मजबूरी है सॉल्व करने की, और उसको सबसे लास्ट में आराम से बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन सॉल्व कीजिएगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। बहुत ही फालतू टॉपिक, मुझे तो ऐसा लगता है फाउंडेशन के अंदर नहीं होना चाहिए था ये वाला टॉपिक तो नहीं होना चाहिए, है ना। आओ चलो, अब हम लोग चलेंगे कौन सी चीज के ऊपर। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे लेटर राइटिंग से रिगार्डिंग, हम लोग चर्चा करेंगे लेटर राइटिंग से रिगार्डिंग बात करेंगे। आ जाओ फटाफट आओ जल्दी से, थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूं। अगर किसी को ऐसा चाहिए कि मेरे को किसी टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा, देखो मैं नोट मेकिंग को डिटेल में कराऊंगा अभी भी, कोई लोड मत लेना उसका, लेकिन बाकी टॉपिक को स्पीड में चलना होगा ना बेटा, है ना, थोड़ा सा। अब जिसको रेगुलर चाहिए तो मैंने वन शॉट डाल रखा हो बेटा बीसीआर से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं 6-6.5 घंटे का है, लेकिन अभी ये वाला किसके लिए, कल पेपर और आज एकदम गप्पे से देखना, तो बेटा ऐसे के इसके अंदर ये रिवीजन काम में आता है फिर, है ना। चलो आओ, आ जाओ, ध्यान दो, सुनो। चलो आगे बढ़े क्या, बोलो थोड़ा जल्दी से मुझे। आ जाओ, ध्यान दो। देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे लेटर राइटिंग से रिलेटेड, कौन से चीज से रिलेटेड बोलो, लेटर राइटिंग से रिलेटेड बात करेंगे। अब लेटर राइटिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, लेटर राइटिंग का मतलब होता है यहाँ पे एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, आपको खत लिख के बताना है इंस्टीट्यूट को, आप खत लिख के बताओगे कि ऐसे खत लिखे जाते हैं करके, है ना। अब ये, अब सर यही रह गया है करके, है ना, सीए बनने के लिए अब हमें खत लिखना पड़ रहा है, मतलब यही आप चाहते हो क्या? हाँ यही चाहते हो, मैं वही कह रहा हूँ आपके साथ, यही आपको करना है बेटा। अभी आप खत लिखेंगे लोगों के लिए, कैसे खत लिखे जाते हैं, चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो अगर मैं चर्चा करूँ आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले होता है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सेंडर्स एड्रेस के बाद आता है यहाँ पे डेट, डेट के बाद आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब कौन से लेवल वाले सामने वाले व्यक्ति को आप लिख रहे हो, जैसे हो सकता है सामने वाला व्यक्ति क्या हो बेटा, प्रोप्राइटर हो सकता है, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति मैनेजर हो सकता है सामने वाला व्यक्ति मैनेजमेंट का हिस्सेदार वाला व्यक्ति हो, तो वो भी चीज़ें आ सकती है। उसके बाद एड्रेस ऑफ एड्रेस ही लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बोलो, एड्रेस ऑफ एड्रेस ही लिखा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ये सारी चीजें सैल्यूटेशन का पार्ट बनती है। सब्जेक्ट तो आप जानते ही है, कौन सी चीज के लिए लेटर लिख रहे हो उसे सब्जेक्ट के अंदर डालोगे। कंटेंट के अंदर तीन प्रकार की चीजें, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, क्या होता है बोलो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ऐसी तीन प्रकार की चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर जैसे योर्स ट्रूली सिंसियरली आता है, फिर सिग्नेचर लाइन आती है जैसे नाम बोलने को सिग्नेचर, और डिजिग्नेशन ऑफ सेंडर के बारे में भी यहाँ पे डालना होता है, डिजिग्नेशन भी सामने वालों के रिगार्डिंग यहाँ पे बोली जाती है। क्या आप इस बात को समझे क्या, बोलो ना मुझे समझे क्या। तो सबसे पहले क्या होता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या होता है डेट, बोलो सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या होता है डेट, डेट के बाद क्या आता है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद क्या आता है एड्रेस ऑफ एड्रेस ही आता है, फिर आता है यहाँ पे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट, कॉन्टेंट्स, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे, बोलो मुझे जल्दी से। यस सर, कंटेंट में क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन से रिलेटेड सारी चीज़ें आती है, आखिरी में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। जैसे देखो लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी मतलब होता है पंचायत वाला लेटर, बोलो क्या होता है पंचायत वाला लेटर, आप यहां पे इंक्वायर कर रहे हो सामने वालों से प्रोडक्ट के बारे में, कैसे किया जाता है, ये सब चीजें कॉमन है। सेंडर्स एड्रेस होने वाला है, डेट होने वाला है सर, सामने वाले का, रिसीवर्स का डेजिग्नेशन, रिसीवर्स का एड्रेस, ये बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद सर यहां पे आता है आपका सैल्यूटेशन, डियर मिस्टर खान,
देखो डियर मिस्टर गांधी समझना, या डियर इंद्रेश आप ऐसा लिखोगे, एक तो आप लिखोगे डियर इंद्रेश या आप ऐसा लिखोगे डियर मिस्टर गांधी, समझ रहे बात को, ये दोनों में से कोई भी एक चीज लिखोगे। फिर यहाँ पे आने वाला है सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज, तो इसके अंदर आप क्या डालते हो, इंक्वायरी डालते हो दोस्तों केटरिंग सर्विसेज से रिलेटेड, आप यहाँ पे पंचायत कर रहे हो ना उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है, तो पंचायत रिलेटेड टू केटरिंग सर्विसेज करके ये वाली बात है। अब देखो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या आप कौन हो, है ना। सबसे पहले नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आपको कैसे पता चला सामने वाले कंपनी के बारे में और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है करके, है ना, कैसे पता चला और रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप उनसे बुलेटेड पॉइंट्स के अंदर पूछोगे या आप उनसे पॉइंट्स में इंक्वायरी करोगे, आप उनसे पॉइंट से, है ना, ये पूछोगे, मतलब क्या बोलते तो पंचायत करोगे, है ना, आप यहाँ पे बुलेटेड पॉइंट्स के अंदर उनसे पंचायत करोंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके साथ, फिर सर यहाँ पे क्लोजिंग रिमार्क्स आने वाले हैं और यहाँ पे सारी चीज़ों को आप एंड करते हो कि कौन से व्यक्ति ने भेजा, और ये थैंकिंग यू और ये सारी चीज़ें तो आपको पता होती है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना। चलिए आप डियर मिस्टर खान भी लिख सकते हैं, आप रिस्पेक्टेड शब्द भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है लेटर के ऊपर। दूसरा होता है बेटा यहाँ पे लेटर ऑफ ऑर्डर लेटर आता है, ये इंपॉर्टेंट लेटर है, ऑर्डर लेटर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इंक्वायरी और ऑर्डर दोनों में से ज्यादा पूछने के 99% चांसेस आ जाते हैं। ऑर्डर लेटर के अंदर देखो सेंडर्स एड्रेस होता है, डेट होता है, रिसीवर्स का डेजिग्नेशन, रिसीवर्स का एड्रेस, बस यहां पे सब्जेक्ट पहले आता है, सैल्यूटेशन बाद में, सब्जेक्ट पहले सैल्यूटेशन बाद में, सब्जेक्ट पहले आता है सैल्यूटेशन बाद में आता है, ऑर्डर लेटर के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है बाद में सैल्यूटेशन आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? यस सर। फिर उसके बाद तीन प्रकार की चीजें आती है ऑर्डर लेटर के अंदर, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें आती है, फिर आता है यहां पे प्राइस से रिलेटेड, और उसके बाद आता है डिलीवरी से रिलेटेड। क्या चीज से रिलेटेड? डिलीवरी से रिलेटेड। तो मैंने कहा तीन प्रकार की चीजें कौन सी होती है, यहां पे तीन प्रकार की चीजें अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट होगा, प्राइस होगा, और यहां पे डिलीवरी से रिलेटेड होगा। प्रोडक्ट प्राइस डिलीवरी, प्रोडक्ट प्राइस डिलीवरी, प्रोडक्ट प्राइस डिलीवरी, प्रोडक्ट प्राइस डिलीवरी से रिलेटेड बात होंगी, और क्लोजिंग रिमार्क्स आपको देना होता है, ठीक है। जैसे डिलीवरी के अंदर भी आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अच्छा, इसका ध्यान रखिएगा, ये वाली चीज़ें सब्जेक्ट पहले सैल्यूटेशन बाद में, सब्जेक्ट पहले सैल्यूटेशन बाद में, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। सर ऐसा क्यों है? कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस ऐसा ही है, मैं ऐसा कहूँगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस है जो है, मतलब ऐसा है, बस है जो है करके, है ना। चलो आओ, तो ये वाली बात हुई, ठीक है सर, परफेक्ट है। उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे? फिर उसके बाद अगर मैं चर्चा करूँ तो सर कंप्लेंट लेटर यहाँ पे आने वाला है, कंप्लेंट लेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर क्या होता है कंप्लेंट लेटर के अंदर, कौन सी चीज़ आती है? कंप्लेंट लेटर की बात करूँ तो सर इसके अंदर आता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, बोलिए ना जल्दी से, आपको कुछ तकलीफ हुआ है और उस तकलीफ के बारे में आप सामने वाले व्यक्ति को जाहिर कर रहे हो चीज़ें या उसको बता रहे हो चीज़ें, उसे कंप्लेंट लेटर का नाम यहाँ पे दिया जाता है, या उस चीज़ को हमको कंप्लेंट लेटर कहते हैं। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंप्लेंट लेटर के रिगार्डिंग। देखो कंप्लेंट लेटर की अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, तो कंप्लेंट लेटर के अंदर सबसे पहला क्या होता है, व्हाइल राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, क्या बोला है, व्हाइल राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट यू शुड, आपने क्या करना चाहिए। तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले तो आप बताइए अपने डिस्क्रिप्शन के बारे में, आपके प्रॉब्लम के बारे में तो बताओ सामने वाले व्यक्ति को, प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब करो सामने वाले व्यक्ति को, है ना। चलिए आइए, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने इंपॉर्टेंट डेट्स को इंक्लूड करना, पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम दीजिए, दूसरा इंपॉर्टेंट डेट्स दीजिए, तीसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो बताइए, और चौथा रिस्पांस के बारे में भी आपको उसको पूछना है कि कितने समय में चीजें ठीक होने वाली है, कितने समय में चीजें यहां पे बढ़िया तरीके से होने वाली है, वो चीजों के रिगार्डिंग बात होंगी, समझ रहे बात को, ठीक है। आ जाइए, दीवानी दीवानी कह रहे सर और कौन से टॉपिक कराओगे, बावला हो गए के, सारे तो टॉपिक्स करवा रहा हूँ बेटा, सभी तो टॉपिक चल रहे हैं, आ जाइए। देखो कंप्लेंट लेटर के अंदर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या आता है डेट, डेट के बाद क्या आता है रिसीवर्स का डेजिग्नेशन, रिसीवर्स का एड्रेस, और उसके बाद अब देखो क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे समझिए बात को, सैल्यूटेशन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्या करेंगे बोलो, सैल्यूटेशन। सर ये सब भी फॉर्मेट में लिखना होता है क्या, या साइड में जो है ये भेड़िया,
आओ, ऑब्वियस ये फॉर्मेट है बेटा, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, तो आपको कोने से ही लिखना है, साइड से ही लिखना है, सेंडर्स एड्रेस ऐसे ही डालना है, डेट ऐसे ही डालना है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन ऐसे ही डालना है, रिसीवर्स एड्रेस ऐसे ही डालना है, समझिए अब बात को, सैल्यूटेशन ऐसे ही लिखना है, एक कोने से इंटेंडेशन को फॉलो ही करना है, ये तो ऑब्वियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जून जून वाले ही बैठे हैं ना बेटा, दिसंबर के लिए तो टाइटल नहीं डाल दिया। नहीं दिख तो वही रहा है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं होता है, आओ आओ ध्यान दो। चलो 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 देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है सर, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे, देखो कंप्लेंट लेटर है तो आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था ना बेटा, वो ऑर्डर प्लेस की डिटेल्स आपको बताना होता है। क्या होता है बताइए जल्दी से, ऑर्डर प्लेस की डिटेल्स आपको बताना होता है, ठीक है सर, है ना। तो पूरा बताऊंगे आप कि ऑर्डर नंबर ये था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें अपने को बताना है यहाँ पे, ठीक है। आइए, उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे 10 डेज का यहाँ पे आपका ऑर्डर है, और आप पूरी डिटेल्स बताओगे ऑर्डर से रिलेटेड। फिर आप यहाँ पे कंप्लेंट करोगे, आपको रोना होगा, समझिए आप बात को, आप कंप्लेंट करो उनको, कंप्लेंट करो कि आपने इतना समय लिया डिलीवर नहीं किया, बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गए, गर्मी होती है, पसीना पसीना हो चुके हैं, समझ रहे बात को, है ना। यस सर। उसके बाद उनको बोलो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करो, प्लीज़ प्लीज़ अब देखो इस मैटर के अंदर, नहीं तो मुझे आपके पेमेंट को स्टॉप करना होगा और ऑर्डर को कैंसिल करना होगा, समझ रहे आप बात को, है ना, ऑर्डर को कैंसिल करना होगा। और आखिरी में सर यहाँ पे अपने को क्या करना होता है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स और वो सारी चीजें, क्लोजिंग रिमार्क्स तो हर जगह कॉमन है बेटा, नाम दो उसका, डेजिग्नेशन दो, कंपनी का नाम दो, बढ़िया, तो वो तो एकदम जबरदस्त आसान है, समझ रहा बात को, एकदम जबरदस्त आसान है ना। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ आपके साथ, चलिए तो अगर मैं कहूँ आपके साथ हमने क्या क्या देखा, देखिए एकदम सिंपल है, आप अगर पूरा फॉर्मेट देखोगे ना तो फॉर्मेट ऐसा पूरा स्टेबल है सर, फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, बस जो चीज़ें पलट रही है ना, चीज़ें केवल इसी के बीच में पलट रही है और कुछ नहीं है, केवल और केवल इसी के बीच में यहाँ पे पलटने वाली है। अब रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपने पहले के 3 लेटर्स हुए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ के साथ, सुनिए, सबसे पहली चीज यहां पे क्या होने वाला है, रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट के बारे में बात करेंगे सर। इसके अंदर सबसे अब रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट मतलब क्या, सामने वाले ने कंप्लेंट किया और मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं ना, तो उसके बारे में बातचीत हो रही है। मतलब जैसे याद है आपको बेटा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जेठालाल को कोई कंप्लेंट करता है तो वो जेठालाल उसका रिप्लाई बना रहे हैं ना, उसको रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट बोला जाता है, या उस चीज को रिप्लाई टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट हम लोग कहते हैं। अब आ जाएंगे पटापट सारे के सारे लोग क्या कह रहा हूं मैं, है ना। चलो देखो, अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों के साथ तो सबसे पहले आपका वही वाली पूरी घिसी पिटी चीजें रहने वाली है, लेकिन यहां पे क्या देखें, यहां पे आप तो पहले सबसे पहले तो आप डिटेल दोगे, ऑर्डर के बारे में डिटेल बताइए, फिर उसके बाद आपको सॉरी बोलना होगा, क्या बोलना होगा, सॉरी बोलना होगा, फिर उसके बाद दोस्तों क्या बोला जा रहा है यहां पे, आप उनको अपना रीजन जस्टिफाई कीजिए दोस्तों, या आप उन्हें बताइए कि कैसे मैं इसे कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं, आप उनको बताएंगे कैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूं। उसके बाद आपको यहां पे सॉरी बोलो दोस्तों, और उनको है ना चने के झाड़ पे चढ़ाओ कि आप तो सपोर्टिव क्लाइंट हो, आपको 10% ऑफ देंगे, एहसान वहसान बहुत सारी चीजें आपको बताना होगा, ये सारी चीजें चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात यहां पे आ जाती है। क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। अब उसके अलावा सर यहाँ पे आपके क्लोजिंग रिमार्क्स आते हैं, और ये तो आपको बताइए मैं जो कह रहा हूँ आपके साथ, है ना। तो देखिए हुआ क्या, सबसे पहले आप डिटेल बताइए, सॉरी बोलना होगा, उसके बाद कैसे ये गड़बड़ हो गई उसके बारे में बताइए, बोलिए कि आप चने के झाड़ पे जो है आप ही है, आपके जैसा कोई नहीं, जो ये आप ही है करके, देखो बहुत एकदम सिंपल है बेटा, सॉरी आप ही को बोलना है, समझ लो बात को, आप सॉरी बोलेंगे, फिर उन्हें जस्टिफाई कीजिए रीज़न को, जिससे वो नहीं मानेंगे तो उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दो और बोल दो फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, फिर फ्यूचर में सेम गलती कर डालना, और बोलना
आगे से ऐसा नहीं होगा और चलने देना इसको इन्फिनिटी लूप जैसे, है ना। तो बस और आखिरी में क्लोजिंग रिमार्क्स तो रहने ही वाला है, बराबर है, काफ़ी लॉजिकल लग रहा है। पहले वाले केस में क्या था सर, इंट्रोडक्शन दिया, रोया कि अरे यार बहुत बुरा कर रहेगा, उसके बाद बोलो कि प्लीज़ यहाँ पे बोलो प्लीज़ करो और प्यार से बजाओ उसको, है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, बराबर है क्या। चलिए आइए ध्यान दीजिए, चलो आ जाओ दोस्तों। कौन सी वाली बात करेंगे, प्रमोशनल लेटर के ऊपर चलेंगे। प्रमोशनल लेटर किस बारे में बात कर रहा है सर, प्रमोशनल लेटर यहाँ पे कहता है जैसे देखो कि मान लीजिए आप नया कोई ब्रांच ऑफिस खोल रहे हो या नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफर देते हो या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से कहते हो कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आओ घर में पधारो, है ना। ऐसे केस के अंदर जरूर से एकदम बढ़िया तरीके से चलिए करते हैं ना। देखो यहाँ पे वी आर हैप्पी टू अनाउंस करके हमारे बैंक की यहाँ पे 100th ब्रांच ओपन हुई है। एज अ प्रिविलेज कस्टमर हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने वाले हैं और उसके अलावा बाकी डिटेल्स आप इसके अंदर दे देते हो और वही आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स रहने वाले हैं। एग्जाम में नहीं पूछ सकने वाले, इतने छोटे छोटे पूछ लिए तो बात ही कुछ और हो जाएंगी। सेल्स लेटर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग ऑर्डर को प्लेस कर लेते हैं बेटा, तो सामने वाला व्यक्ति सेल्स लेटर दे देता है अपने को कि एक प्रकार से ऑर्डर कन्फर्मेशन वाला लेटर, ऐसा समझ लो ऑर्डर कन्फर्मेशन वाला लेटर अपने को मिल जाता है, उस चीज़ को सेल्स लेटर का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। तो देखो सेल्स लेटर की बात करूं मैं आपके साथ, तो सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स का एड्रेस। अब सेल्स लेटर के अंदर सबसे पहले आप इन्हें बोलते हो थैंक यू करके, है ना, सबसे पहले आपको थैंक करना है सामने वाले व्यक्ति को। फिर आप उसको ऑर्डर के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, बताइए मुझे ऑर्डर के बारे में बताओ। फिर तीसरी वाली चीज, अगर यहाँ पे आप बोलते हो अगर आपको और भी कुछ कोई काम है तो उसके बारे में भी आप अपने हमको बता देना, ये तीसरी वाली चीज आ जाती है। और आखिर में आपको थैंक यू वगैरह यहाँ पे बोलना होता है, समझे क्या बात को बोलो जल्दी से। यस सर, तो हमने क्या क्या बोला बताइए, सबसे पहले थैंक यू बोलो, उसके बाद ऑर्डर को बारे में बताइए, तीसरी वाली चीज यहाँ पे अगर आपको कोई भी रीच करने के लिए हमसे पूछना है तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताएंगे, कॉन्टैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये होता है कौन सी चीज से रिलेटेड बोलिए, ये होता है सर सेल्स लेटर से रिलेटेड। सेल्स लेटर का सिंपल सा मतलब होता है कन्फर्मेशन लेटर, क्या होता है बोलेंगे सभी लोग, कन्फर्मेशन लेटर होता है सेल्स लेटर। जैसे आप अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसके बाद आपको लेटर आता है कन्फर्म करने के लिए कि हाँ आपने ये ऑर्डर दिया है और हम आपको क्या करेंगे, जल्द हम आपको गुड्स को डिस्पैच करेंगे, तो उसे सेल्स लेटर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बोलो, सेल्स लेटर का नाम हम लोग उसको दे देते हैं। बस ये वही वाली चर्चा है, वही वाली बात यहाँ पे की गई है सर। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आता है, रिकवरी लेटर आता है। बोलो क्या आता है, रिकवरी लेटर। रिकवरी लेटर का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर लोन दिया आपको और आप मेरे पैसे को रीपे नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रिकवरी लेटर इशू करता हूँ। क्या करता हूँ मैं आपको रिकवरी लेटर इशू करता हूँ, क्या करता हूँ बोलो, रिकवरी लेटर यहाँ पे इशू करता हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अब ये जो रिकवरी लेटर है ना दोस्तों, ये रिकवरी लेटर के अंदर यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना होता है कि क्या अमाउंट था लोन का, इंटरेस्ट कितना, ये कितना, और सामने वाले से चेक बुला लो, बस ऐसी वाली बात है, इसे रिकवरी लेटर का नाम दिया जाता है, बराबर ना। तो बस यही वाली पूरा रिकवरी, इतना एग्जाम में नहीं आते लेकिन जो आते वो तो आप जानते ही हो। जैसे देखो ये देखिए, मैं अगर आपको ऑर्डर लेटर से रिगार्डिंग चीज़ें बताऊंगा, देखिए पहला, यू मैनेज द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर लोकल रेस्टोरेंट सर्विंग वेजिटेरियन फूड, राइट अ लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रोसरी आइटम्स नीडेड फॉर द नेक्स्ट वन मंथ। आपको मेसर्स खुराना एंड सन से प्लेस करना है, लिस्ट को प्रिपेयर कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो आपने अपने कंपनी का नाम डाल दिया, फिर उसके बाद डेट आपने डाल दिया और फिर रिसीवर्स का डेजिग्नेशन, रिसीवर्स का एड्रेस, कितना प्यारे तरीके से लिखा हो मैंने, मेरी हैंडराइटिंग को किसी की नज़र ना लगे। आओ उसके बाद डेट के बारे में, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट के बारे में आपको याद रखना है, समझ गए बात को, सब्जेक्ट के बारे में याद रखना है। फिर आता है यहाँ पे, आप जानते हो कि प्रोडक्ट के बारे में आप बात करोगे, प्राइस के बारे में बात करोगे और डिलीवरी से रिगार्डिंग बात करोगे। तो ये आपने कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए उसके बारे में बताया। अब यहाँ पे आपने देखो बेटा, प्राइस से रिलेटेड हो गया, अमाउंटिंग हो गया और यहाँ पे डिलीवरी से रिलेटेड बात कर दिया, हो गई चीज़ें खत्म, और आखिरी में थैंकिंग यू करके, समझ रहे हो बात को। तो देखो फॉर्मेट एक ही है लेटर का, बस उसके अंदर जो मेन है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसके अंदर चेंजेस आपको करना है, तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है ना, और कुछ नहीं, नॉर्मल फॉर्मेट वही है, बस उसके अंदर चेंज अपन लोग करते रहेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या, बोलो ना जल्दी से कुछ तो बोलो, ऐसा समझ रहे करके, है ना। आओ देखो,
अब अगर हम लोग बात करें तो सर सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर मतलब ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? रिवीजन के लिए। रिवीजन का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे रिवीजन का मतलब होता है कि मुझे अगर कोई प्राइजेज मैंने रिवाइज किया हो, या मैं अगर कोई सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, कोई डिटेल्स बताना चाहता हूँ, या मैं उसको कोई चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर मैं उसको बताना चाहता हूँ ना, तो उसके इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं सर? उसके इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि सर इसे बोलो ना, क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सर्कुलर। क्या कहते हैं? सर्कुलर। जहाँ पे हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़, तो इसे बोला जाता है। क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ आपके साथ, सबसे पहले क्या होने वाला है? सर्कुलर नंबर होने वाला है। सर्कुलर नंबर के, सर्कुलर नंबर हमेशा रोमन शब्दों में रहेगा। किस में रहेगा बताइए? रोमन नंबर्स में हमेशा रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद उसके सेम लाइन के अंदर, है ना, सेम लाइन के अंदर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको डेट लिखना है। कौन सा फॉर्मेट है ध्यान दे दो, डेट का कैसे फॉर्मेट के अंदर आपको डेट लिखना है। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन के अंदर मेन टॉपिक आता है आपका, जैसे ऑफिस वर्किंग आवर्स करके, ये मेन टॉपिक है। फिर आप यहां पे एक लाइन का गैप दीजिएगा। उसके बाद आप यहां पे डालोगे, यहां पे आप डालोगे जिसको आप रीच कर रहे हो, जैसे फॉर ऑल एम्प्लॉइज से रिगार्डिंग आप यहां पे बात करोगे, तो ये आप किसको रीच कर रहे हो ना, उसके बारे में बात करेंगे, फॉर ऑल एम्प्लॉइज। फिर आप यहां पे बताओगे दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द ऑफिस टाइमिंग्स दैट हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय ऑल द एम्प्लॉइज। बींग एन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंट शेड्यूल्स को मेंटेन करते हैं बेटा, और यहाँ पे आपने टाइमिंग्स वगैरह को बता देना है। डिफॉल्टर्स को पनिश करेंगे, पटके करेंगे, और ऐसे फालतू के काम है ना यही करते हैं एचआर लोग बेटा, है ना। सिमरन थलरेजा एचआर करके आप यहाँ पे डालोगे पर्सन का नाम और डेजिग्नेशन। क्या बोला मैंने? पर्सन का नाम और डेजिग्नेशन करके ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो हमने क्या कहा बताइए मुझे जल्दी से? तो ये चीज़ें कौन सी होती है बेटा? ये चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है सर, यहाँ पे मेन कॉन्टेंट से रिलेटेड पूरी पूरी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अब मोमोज के बारे में बात करेंगे बेटा, आ जाइए। क्या कह रहा है मोमोज? मोमोज का कहना है कि हम लोग बताएंगे सर रिमाइंडर, मैं जानता हूँ मेमोज है करके, है ना, तो इसे बोला जाता है, हम रिमाइंडर देने के लिए काम में आते हैं, मेमोज का कहना है। ठीक है सर, दीजिए रिमाइंडर, बताइए कहा टॉपिक कैसे रिमाइंडर देते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से रिमाइंडर दिया जाता है। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिखना होता है, फिर आप यहाँ पे टॉपिक का नाम डालोगे, जैसे इंटर ऑफिस मेमो हुआ, और उसके बाद क्या होने वाला है बेटा? उसके बाद आता है DTFR। क्या है ये? सब्जेक्ट है सीए फाइनल के। डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स, एफआर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। तो डेट टू फ्रॉम रेफरेंस, 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 डेट टू फ्रॉम रेफरेंस। आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया, पाप नहीं मां पाप करो, कल एकदम बढ़िया पेपर जाने वाला है, लेक्चर को लाइक करो। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ सर, डेट, डेट मतलब कौन से तारीख पे आप ये मेमो लिख रहे हो। दूसरा, किसे आप लिख रहे हो टू। तीसरा, फ्रॉम, किससे, किसके द्वारा ये लिखा जा रहा है। और चौथा, रेफरेंस, कोई ना कोई रेफरेंस डाल के आपने चीज़ों को यहाँ पे करना है क्या? हाँ सर, कोई ना कोई रेफरेंस डाल के आपने चीज़ों को करना है। उसके बाद सर यहाँ पे क्या आता है सर? उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती है कि एज डिजायर्ड द ऑर्डर जो सप्लाई ऑफिस फर्नीचर है ना, ये प्लेस किया गया है शिव शक्ति मार्ट के पास, और बस आपको डिटेल सामने वाले को इन्फॉर्म कर देना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल और केवल सामने वाले व्यक्ति को बता देना है। अब ये इंटर ऑफिस मेमो का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर अगर आप भेज रहे हो तो इंटर ऑफिस होता है, लेकिन एक ऑफिस से उसी ऑफिस के अंदर आप कहीं पे भेज रहे हो ना, तो इसे क्या बोला जाता है? इंट्रा ऑफिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, इंट्रा ऑफिस मेमो कहा जाता है। क्या बात को समझ रहे हो क्या? जैसे देखो, सर्कुलर था, ये यहाँ पे दिया चेंजेस इन ड्रेस कोड, एक लाइन का गैप दिया, फिर ऑल एम्प्लॉयज से रिगार्डिंग लिखा, फिर मेन के लिए क्या, वुमेन के लिए क्या, और थैंक यू एचआर मैनेजर करके डाल दिया, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। क्या बात को समझ रहे हैं? बोलो जल्दी से, मुझे बात को समझ रहे हैं क्या? रेज्यूम वाला पढ़ेंगे, और इस रेज्यूम वाला टॉपिक अब अपना यहाँ पे आने वाला है। फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग ध्यान देंगे, रेज्यूम से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, रेज्यूम के टॉपिक से रिलेटेड अभी हमारी चर्चा होने वाली है। प्लीज़ सभी लोग फोकस करो, प्लीज़ सभी लोग ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान, सुनो बात को। चालू करें, बोलो
रेज्यूम से रिलेटेड बात करेंगे ना। हाँ सर, रेज्यूम से रिलेटेड आ जाओ, फटाफट चर्चा करते हैं। रेज्यूम की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो रेज्यूम का मतलब क्या होता है? रेज्यूम का सिंपल सा मतलब होता है, जब आप सामने वाले व्यक्ति को है ना क्या देते हो, सामने वाले व्यक्ति को अपने अपने बारे में डिटेल्स देते हो, ताकि आप क्या करो बेटा, ताकि आप जॉब के लिए अपॉइंट कर लिया जाओ। क्या कर लिया जाओ बोलो? ताकि आप जॉब के लिए अपॉइंट कर लिया जाओ, तो उसे रेज्यूम का नाम बोला जाता है, या उस चीज़ को हम लोग रेज्यूम कहते हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? हाँ सर, सारे के सारे लोग हम लोग समझ पा रहे हैं, सारे के सारे लोग हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनिए दोस्तों, क्या रेज्यूम तीन प्रकार की चीजें होती है। कितनी प्रकार की चीजें होती है? तीन प्रकार की रेज्यूम यहां पे चीजें होती है। कौन सी कौन सी बताओ? सबसे पहला होता है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम होता है। सबसे पहले क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा होता है फंक्शनल रेज्यूम। दूसरा कौन सा होता है? फंक्शनल रेज्यूम। और तीसरा कौन सा होता है? कॉम्बिनेशनल रेज्यूम। क्या होती है बोलो? कॉम्बिनेशनल रेज्यूम। अब इसके अलावा एक और जो चीज होती है बेटा, और वो कौन सी चीज है बोलिए मुझे जल्दी से, वो है यहाँ पे, एक मिनट, वो है यहाँ पे कवर लेटर। कौन सा यहाँ पे बोलो जल्दी से? कवर लेटर से रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें बोली जा रही है। तो तीन प्रकार के रेज्यूम्स कौन से सभी लोग बताइए। तीन प्रकार के रेज्यूम्स है यहाँ पे। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल, दूसरा फंक्शनल, तीसरा कॉम्बो। फंक्शनल बोलो ना, क्रोनोलॉजिकल यहाँ पे, फंक्शनल कॉम्बो, क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल कॉम्बो, क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल कॉम्बो, क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल कॉम्बो, क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल कॉम्बो, ऐसी तीन प्रकार की चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ सर, सबसे पहली चीज़ें क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। तो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे कहाँ पे मोस्ट कॉमनली ये यूज़ किया जाता है? सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है सर? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को पेश किया जाता है। अब ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? जो सबसे पहले आपके साथ लेटेस्ट में हुआ है, आप उसको सबसे पहले शो करते हो, उसे बोला जाता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे CA फाइनल, अपना CA अगर कोई बन जाता है तो CA फाइनल लेटेस्ट में हुआ, समझ रहे हैं बात को, ये सारी चीज़ें। दूसरा फिर CA इंटरमीडिएट हुआ, और तीसरा अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तीसरा यहाँ पे CA फाउंडेशन हुआ। इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। और क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जब CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, तो ये जो समझ रहे बात को, तो ये जो चीज़ें जा रही है ना, उसे अपन लोग क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में कहते हैं। समझ लो बात को, ध्यान दो। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है। यहाँ पे इंसान किसके ऊपर फोकस करता है? यहाँ पे इंसान अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। किसके ऊपर फोकस करता है सर? अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। सर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? नेम हुआ। नेम के बाद क्या हुआ बेटा? नेम के बाद में यहाँ पे एड्रेस हुआ। एड्रेस के बाद क्या हुआ? फ़ोन हुआ। फ़ोन के बाद क्या हुआ? ईमेल हुआ। मित्रों बोलो 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 बोलो, क्या क्या हुआ सर? सबसे पहले नेम हुआ, नेम के बाद एड्रेस हुआ, फोन हुआ, ईमेल हुआ। नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, ऐसी चार चीजें। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बोलो क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बोलो, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से? ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, जैसे देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस। अच्छा, ये नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल है ना, इस साइड में आपको लिखना है, ठीक है। भले ये सेंटर में यहाँ पे दियो, लेकिन आप सेंटर में मत लिखियो, आपको एक कोने में लिखना है। इसको पहले ही कह दे रहा हूँ मैं आपको, आप यहाँ पे है ना, समझना बात को, इसको कोने में लिखिएगा। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव की क्यों मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ। तो टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर ट्रिमेंडियस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन द करियर एंड प्रोवाइड चैलेंजिंग एनवायरमेंट दैट विल यूटिलाइज अकाउंटिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज टू मैक्सिमम। तो आप यहां पे बताते हो सामने वाले व्यक्ति को कि क्यों आखिर मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता हूं, है ना। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को करना होता है। क्या बोल रहा हूँ? उस तरीके से चीज़ों को करोगे। फिर सर यहाँ पे समरी आती है। अब समरी कब आती है? जब आप एक्सपीरियंस पर्सन रहते हो ना बेटा, तब समरी आती है, तब आपको समरी लिखना है। तब तक समरी आपको नहीं लिखना है, तब तक आप समरी नहीं लिखेंगे, है ना। एक्सपीरियंस रहे, और तो उसके बाद फिर सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस के बारे में डालना होगा। एक्सपीरियंस भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि आपने कहाँ कहाँ पे जॉब किया है उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करोगे RCO में, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एजुकेशन में हम लोग RCO के अंदर करते हैं, यानी कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को करते हैं। फिर अपन लोगों को स्किल्स के बारे में बताना होता है कि क्या क्या स्किल्स है, जैसे MS ऑफिस स्किल्स हो गई, समझना बात को, वर्किंग टैली हो गया सर यहाँ पे। फिर आप तो यहाँ पे लिख भी सकते हो स्पीड रेट, आप यहाँ पे चैट स्पीड डाल सकते हो अपनी, है ना सर। नहीं डाल सकते कि हमको चैटा बहुत अच्छे से आती बोलते करता है ना, तो आप ऐसी चीजें नहीं कर सकती, ऐसा मैं कह रहा हूं आपके साथ। उसके अलावा ये सारी चीजें होंगी। फिर आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालना होता है बेटा। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप क्या डालोगे?
होंगे, डेट ऑफ बर्थ आप डालते हो, कब आप बॉर्न हुए, मैरिटल स्टेटस आप डालते हो, मैरिड या अनमैरिड दो ही चीजें हो सकती है, वन साइडेड फॉरएवर और वो सब चीजें नहीं। डेट ऑफ बर्थ में डाल रहे, लैंडेड ऑन अर्थ करके, मदर्स क्राई ऑन फर्स्ट लैप ऑन माय फेस, ये सब चीजें नहीं डालेंगे आपको, है ना। फर्स्ट क्राई, अरे भाई साहब क्या फर्स्ट क्राई होता है यार, ये तो बहुत ही हो गया। आओ तो उसके बाद लैंग्वेज नोन या परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे आपको डालना होता है। तो चार चीजें, डेट ऑफ बर्थ हुआ, मैरिटल स्टेटस हुआ, लैंग्वेज नोन हुआ, परमानेंट एड्रेस, ये चारों चीजें आप डालोगे। फिर आता है यहाँ पे डिक्लेरेशन, फिर क्या आता है बोलो, फिर यहाँ पे आता है सर दोस्तों डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे डिक्लेरेशन कॉमन होता है, आई सोलेमली डिक्लेयर दैट ऑल द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव, डेट प्लेस और यहाँ पे नेम आता है, क्या बोला मैंने, डेट प्लेस और यहाँ पे नेम ऐसा चलता है, क्या आप इस बात को समझे, बोलिए फटाफट फटाफट जल्दी से। तो हम लोगों ने क्या देखा इसके अंदर, क्या क्या होता है, सबसे पहले सर एक तो सबसे पहले क्या होता है, नेम एड्रेस फोन ईमेल, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आता है, आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद मेन क्या आता है, आपकी समरी आती है। फिर समरी के बाद आपका एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद क्या आता है बोलो, समरी आती है, फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आता है, समरी। सर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ये भी चीजें डालने की जरूरत नहीं है, अगर फ्रेशर कोई बोला ना तो ये चीजें दोनों भी डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ऐसा मैं कह रहा हूं आपके साथ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर आपको एजुकेशन यहां पर रहने वाला है, अब एजुकेशन को भी आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहां पर डालोगे। फिर यहां पर आती है आपकी स्किल्स से रिगार्डिंग चीजें, जितने भी आपके स्किल्स वाली चीजें आती है वो भी आपको यहां पे मेंशन करना होता है। और आखिरी में पर्सनल डिटेल्स आपको डालना है, क्या डालना है बोलो, पर्सनल डिटेल्स आपको आखिरी में आपको डालना होता है। और ये पूरी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें डालोगे। और फिर डिक्लेरेशन आता है, क्या सोलेमली डिक्लेयर दैट, जो भी चीजों से रिलेटेड डिक्लेरेशन है ना वो आपको यहां पे मेंशन करना होता है, क्या बात को समझे। कम ऑन एवरीवन, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, है ना, समझ चुके हैं सर, समझ चुके हैं सर। चलिए चलो दूसरे चीज के ऊपर चलूंगा मैं, फंक्शनल रेज्यूम के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल रेज्यूम का मतलब क्या होता है, फंक्शनल रेज्यूम का यहां पे मतलब आता है कि जब हम लोग हमारे स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, किसके ऊपर फोकस करेंगे बोलो, स्किल्स के ऊपर हम लोग यहां पे फोकस करेंगे, स्किल्स और अकम्प्लिशमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, उस चीज को बोला जाता है फंक्शनल रेज्यूम। क्या कहा जाता है बोलो, फंक्शनल रेज्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है सर, परफेक्ट है। अब कौन सी स्किल्स और कौन सी फंक्शनल रेज्यूम के बारे में बात करेंगे, देखो यहां पे, ठीक है, चलो आओ। अगर हम लोग चर्चा करें सर, तो अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शनल रिज्यूम फोकस करता है आपके स्किल्स के ऊपर, या आपने कितनी पढ़ाई की है, या आपने कितना एजुकेशन किया है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहले आपका वही कर लो, यहाँ पे सबसे पहले नेम आएगा, एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा और ईमेल आएगा, पहले तो आप उसको लिख लीजिए। फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सेम, क्योंकि अब ये स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहा है तो इसमें दो प्रकार की स्किल्स आएंगी, सबसे पहले टेक्निकल और दूसरी पर्सनल। टेक्निकल का मतलब होता है जॉब से रिलेटेड स्किल्स, और पर्सनल का मतलब होता है पर्सनल एट्रीब्यूट जैसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली और विद टीम। फिर यहाँ पे कोऑपरेटिव नेचर, सॉफ्ट स्पोकन, ये सारी चीजें स्किल्स के अंतर्गत आ जाती है। फिर आपका आता है एजुकेशन से रिलेटेड, और ये नॉर्मल ऑर्डर में आप बताइएगा कि जैसे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तो नॉर्मल ऑर्डर हुआ ना, बस उसी प्रकार से नॉर्मल ऑर्डर के अंदर ये आपको चीजें बताना है। फिर आपको अचीवमेंट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड चीजें बताना है। फिर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ पे, आपको रेफरेंस आ जाते हैं दोस्तों, क्या आ जाते हैं बोलो ना, रेफरेंस यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे आखिरी में आने वाला है डिक्लेरेशन, रेफरेंस और डिक्लेरेशन यहाँ पे रहता है, रेफरेंस और डिक्लेरेशन यहाँ पे रहता है, ये वाली बात है सर। डेट, प्लेस और नेम से रिगार्डिंग अगेन यहाँ पे चीज मिल जाती है। तो देखो अपन लोगों ने क्या क्या देखा सर, ऑब्जेक्टिव देखा, स्किल्स देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, स्किल्स देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, स्किल्स देखा, पर्सनल स्किल्स देखा। फिर उसके बाद एजुकेशन आता है, एजुकेशन के बाद अचीवमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, या प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद सर रेफरेंस आता है, डिक्लेरेशन आता है, डेट, प्लेस और नेम यहाँ पे होने वाला है क्या, हाँ सर डेट, प्लेस और नेम यहाँ पे रहने वाले हैं, क्या बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या। थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है ये, बट ठीक है यार, इतना बहुत ज्यादा नहीं है, पर बहुत कम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम हो गया करके, ऐसा नहीं है, है ना। चलो आओ उसके बाद देखो कॉम्बिनेशनल रेज्यूम के बारे में बात करूंगा। कॉम्बो के अंदर क्या क्या होता है देख लो, सेम वाली चीजें आने वाली है, नापे मतलब कौन सा, नेम आ रहा है यहाँ पे ये, उसके बाद एड्रेस आ रहा है, फिर आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी, सेम चीजें लिखो। फिर उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव डालिए, अब समरी ऑफ क्वालिफिकेशन डालेंगे। फिर देखो क्या,
फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाएंगे। किससे रिलेटेड बात की जाएंगी? एजुकेशन से रिलेटेड। अब एक बार आपका एजुकेशन हो गया तो उसके बाद स्किल से रिलेटेड बात करेंगे। किससे रिलेटेड? देखो सबसे पहले हुआ यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशन के बाद यहाँ पे आता है स्किल्स, एजुकेशन के बाद क्या आता है यहाँ पे? स्किल्स आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सर यहाँ पे आ रहा है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद यहाँ पे आता है आपका स्किल्स, फिर आता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। क्या आता है दोस्तों, बोलिए जल्दी से मुझे। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको आता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चीजें आती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस हुआ, मतलब सर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस मतलब आपका अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है ना उस चीज से रिलेटेड। अब मैंने क्या कहा, एजुकेशन पहला हुआ, दूसरा स्किल्स हुआ, तीसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस हुआ। पहला एजुकेशन, दूसरा स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे आती है आपके स्किल्स से रिलेटेड, ये हो गया। अब फिर आखिरी में आपके स्किल्स डालना पड़ता है, रेफरेंस डालना पड़ता है और डिक्लेरेशन, ठीक है। जैसे देखो तीनों के बीच का डिफरेंस मैंने लिख के रखा हूं, ये है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जहां पे नेम, एड्रेस, फोन नंबर, फिर यहां पे आप डालोगे करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में चारों पॉइंट और आखिर में डिक्लेरेशन। फिर सेम चीजें यहां पे रहने वाली है नापे से रिलेटेड। फिर यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव के बाद टेक्निकल स्किल्स आती है, पर्सनल स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रेफरेंस, डिक्लेरेशन। फिर यहां पे ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, रेफरेंस और डिक्लेरेशन से रिलेटेड यहां पे चीजें आ जाती है। फिर आखिर में डिक्लेरेशन की डेट, प्लेस और नेम तो रहने ही वाला है, इसे फटाफट फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बना के रखा हूं नोट्स, अभी मैं नोट्स तो वैसे भी ऑलरेडी आपके पास नोट्स है, लेकिन ये विद अनोटेशन जिसके अंदर मैंने लिख के रखा हूं ना वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो मैं आपके साथ। और ये जो कवर लेटर होता है ये तो नॉर्मल लेटर की तरह कवर लेटर होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। समझ गए बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, है ना? चलिए आइए ध्यान दीजिए, है ना। चले समझ रहे बात को? बोलो दोस्तों जल्दी से बोलेंगे, क्या आप इस बात को पूरे के पूरे लोग समझ रहे हो क्या? हाँ सर बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं करके, है ना, एकदम मौसम तरीके से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। मैं भी आपके साथ तो ये नोट्स अभी शेयर करूँगा बेटा फिलहाल, है ना। पहले तो मैं आपको ये नोट्स शेयर करूँगा और दूसरा मैं वो क्या, अच्छा सुनो, पहली बात नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा, ठीक है, अब दूसरे वाली बात सर, दूसरा कौन सा? दूसरा वोकैबलरी। सर वोकैबलरी से रिलेटेड 15 से 20 मिनट का एक सेशन होगा जिसमें अपने आईसीआई के मॉड्यूल की वोकैबलरी मैंने पूरी आपको कवर करवा दिया हो, ठीक है। वोकैबलरी में क्या आता है, सिनोनिम एंटोनिम आता है और इडियम्स आता है, उसके अलावा और कुछ वोकैबलरी में नहीं आता है मैंने, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें प्रीफिक्स, सफिक्स और वो कलोकेशंस और कुछ कुछ चीज़ें उसको भी कवर करवा दिया। ज़्यादा देर का नहीं है, 15 से 20 मिनट का है, अपलोड कर दूंगा, प्रीमियर नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, सीधा वीडियोज़ में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा लास्ट मिनट वोकैबलरी से रिलेटेड। समझ गए आप बात को? क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या? यस सर, वोकैबुलरी आपके लिए करवा देंगे। तीसरी वाली बात अब बात करता हूं, तीसरी वाली बात नोट मेकिंग से रिलेटेड मैं एक वीडियो है बेटा, नोट मेकिंग से रिलेटेड मैं वीडियो को पिन कर दूंगा अभी YouTube के ऊपर, जैसे ही सेशन एंड होगा उसको मैं पिन करवा दूंगा। एक घंटे का सेशन है, प्लीज उससे कवर कर लीजिएगा, इसी के अंदर का है, इसी के अंदर अभी मैंने लिया था मैराथन में डिटेल में। और उसके नोट्स कौन से? ये वाले नोट्स से जो मैं अभी शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम में, तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बस उतनी ही चीज करना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन आज 8 बजे लेने वाला हूँ, ठीक है। 8 पीएम से लेकर 9:30 पीएम तक लगभग हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सर कौन से इसका करेंगे, क्या सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का करेंगे? नहीं, पूरे मैं कोशिश करूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, कंपनीज और पार्टनरशिप, ये चारों टॉपिक्स के करूँ करके, समझना, कोशिश पूरी रहेंगी। सीक्वेंस क्या रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज रहेगा, फिर सोगा रहेगा और फिर उसके बाद पार्टनरशिप रहेगा, ये सीक्वेंस में लेने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। पर मैं चाहूंगा कि डेढ़ दिनों के अंदर सारी चीजें कंप्लीट, मतलब वो डेढ़ घंटे के अंदर सारी चीजें कंप्लीट करूं, बराबर है, एकदम बराबर है। फिर सर कल सुबह क्या होगा, 7 AM को कल अपन लोग आंसर को लिख के देखेंगे, आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसा अपने को लिखना है करके। एक और वीडियो, अगर किसी को आंसर राइटिंग नहीं जम रही होंगी तो मैं अभी कुछ ही देर में एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर हाउ टू राइट लॉ आंसर्स, उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा। आप देख के कम से कम जानकारी तो ले सकते हैं कि अच्छा ऐसा लिखना पड़ता है करके, बराबर है क्या? समझ गए आप बात को? क्या आप बात को समझ रहे सारे के सारे लोग? बताइए सेना, यस आपको, अरे आप टेंशन मत लो यार, कल का पेपर अच्छा होगा आपको, और कोई भी कंसर्न रहा मेरे को पूछ लीजिएगा। देखो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में देखना है, प्री एग्जाम मैराथन में डिटेल में पढ़ाया, आज समय है, कम समय में कितना आउटपुट हो, कम समय में कितना ज़्यादा चीज़ें रिकलेक्ट हो उसका समय है। अभी क्या करेंगे, अभी आपके अगले क्लास को समय है, तो अभी आप क्या करेंगे, पट से सबसे पहली बात तो मैं वोकैबुलरी का सेशन बस समझ लो, बस अपलोड हो गया है मेरा, बस उसको लाइव कर दूंगा मैं, अभी उसको देख के रिविजन सेल्फ रिवाइज करने बैठ जाइएगा। फिर उसके बाद जब तक आपका
दूसरा सेशन नहीं आता तब तक सेल्फ रिविजन करते रहिए। जितना ज्यादा सेल्फ रिविजन करते रहेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन आपके लिए होगा। 15 मिनट में कैसे सॉल्व करना है रात के सेशन में आपको बताऊंगा, 8 से 9:30 वाले सेशन में बताऊंगा कि 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें, पहले बीसीआर करें, लॉ करें, सारे चीजों के रिगार्डिंग बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेंगे आप उसके अंदर, है ना। चलिए क्या बात को समझे, नोट मेकिंग का बस मैंने लेक्चर का लिंक डाला ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिनिच किया है, बाकी टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल रहा हूं नोट्स, अपलोड कर दे रहा हूं मैं नोट्स को, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जाने से पहले कहूंगा इतना कि आप यहां पे क्या ले सकते हैं, सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, मैं आपको यहां पे इंटरमीडिएट का लॉ पढ़ाता हूं और इंटरमीडिएट के लॉ के अंदर मैं अनअकैडमी के प्लस के ऊपर लॉ आपका कवर करवाता हूं। तो ऐसे कि इसके अंदर प्लस या आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, सेम चीज आइकॉनिक में, इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप यहाँ पे आईजी सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, एंड अगेन ठंडा मतलब कोका कोला, कोड मतलब आईजी सर, इस कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा अगर आपने शेयर नहीं किया।